नमस्ते गुरु जी, शुक्राना महाराज, सुरेश अंकल, ओवर टू यू। नमस्ते गुरु जी, जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी सत्संग जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से समस्त गुरु परिवार का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच में ब्लेस संगत बिलाती राम जी उपस्थित हैं, जो कि अपना ब्लिसफुल सत्संग शेयर करने के लिए आए हैं। आज बिलाती राम अंकल जी तीसरी बार हमारे प्लेटफॉर्म से अपना सत्संग शेयर करेंगे। हमें बहुत खुशी है कि जब जब भी इनको हम इनवाइट करते हैं तो बिना किसी ज्यादा समय के 2 मिनट में ही जय गुरु जी। मतलब आई डोंट नो यार, मैं वही, मैंने इसीलिए आप लोगों को कॉल किया कि हो सकता है मैं भूल रही हूँ, बट आप लोगों को कुछ याद है? मैं आई डोंट थिंक। जय गुरु जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है बिलाती राम अंकल। ओवर टू यू बिलाती राम अंकल, वेलकम यू। जय गुरु जी। गुरु जी को चरण वंदना और गुरु जी की संगत को नमन। बहुत बहुत आपका स्वागत अंकल। ओवर टू यू अविनाश मोदी अंकल। शुक्राना गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना पारमन परमेश्वर निरंकार, बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना समस्त गुरु परिवार, साथ संगत जी, मल्टी लिंगुअल ग्रुप के सेवादार और सुरेश वासन जी का शुक्राना। वेरी ब्लेस संगत बिलायती राम अंकल जी का, जिनको गुरु महाराज से चोले के रूप में मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और जो आज तीसरी बार इस ग्रुप में अपना इस मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म पर अपना दिव्य सत्संग शेयर करेंगे। बिलायती राम अंकल जी, आप बहुत डाउन टू अर्थ हैं। मैंने कई बार आपके सत्संग सुने हैं और इस ग्रुप को जो आप ब्लेसिंग आज गुरु महाराज की कृपा से दे रहे हैं, उसके लिए सारे समस्त सेवादार सब हम आपका शुक्राना करते हैं, आपका हाथ जोड़कर अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। आपके जी चरणों में 3 निवेदन है कि आप इस मल्टीलिंगुअल ग्रुप के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए, क्या एक्टिविटीज ये ग्रुप कर रही है, ताकि गुरुजी के बारे में और इस ग्रुप के बारे में नई पुरानी संगत को वर्ल्ड वाइड पता लगे। और दूसरा, जब आप अपना सत्संग शेयर करें, दिव्य सत्संग, तो उसमें एक आपका हनुमान जी का दिव्य सत्संग बड़े मंदिर में कुछ हुआ था, उसके बारे में गुरुजी आपको प्रेरणा दें तो उसके बारे में भी आप कुछ सुनाएं तो बड़ा अच्छा लगेगा। और आज का जो शुक्राना गुरुजी का वचन है, उसके बारे में आप अपने विचार व्यक्त कीजिएगा। अगर किसी अच्छी चीज या काम के साथ कोई अच्छा जुड़ा होता है तो उसे भी अच्छे की तरह ही स्वीकार करो, क्योंकि संपूर्ण दोष रहित कुछ नहीं होता, जैसे गुलाब के साथ कांटे भी होते हैं। अंकल जी, इस पर पहले अपने विचार प्रकट कीजिए, मल्टीलिंगुअल ग्रुप के बारे में बोलिए और फिर अपना दिव्य सत्संग चालू कीजिएगा। धन्यवाद। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। सेवा तो गुरु जी ने सभी को बख्शी हुई है किसी न किसी तरह से, लेकिन इस ग्रुप में जो मल्टी लैंग्वेज का जो ये चला हुआ है, ये मैं समझता हूँ कि सारी दुनिया को एक परिवार में जोड़ने का एक गुरु जी ने एक नायाब तरीका अपनाया है, जिसमें कि जिस भाषा में जो जानता है या गुरु जी को समझना चाहता है, उस भाषा में कन्वर्ट करा के, उसमें ट्रांसलेट करा के जो है ना, उसको आगे आगे कराते हैं। तो ये बहुत एक बड़ा है। सेवाएं तो सभी को मिली हुई हैं, लेकिन इस ग्रुप के थ्रू जो है ना, पूरे वर्ल्ड वाइड जो है ना, जितनी भाषाओं में अंकल वो करा रहे हैं, तो उससे ये है कि गुरु जी की जो दिव्य शक्ति है, जो प्रतिभा गुरु जी का वो है, रूप ओज जो है, वो सब संगत तक पहुंच रहा है और पूरे दुनिया के अंदर जो है ना, हर शायद ही कोई ऐसा देश बचा हो जहां गुरु जी की संगत ना हो आज की डेट में। और बहुत लोग हैं जो वहां तक, यहाँ तक, इंडिया तक नहीं आए, तो गुरु जी के मंदिर तक तो आ ही नहीं पाए, लेकिन गुरु जी इसके थ्रू हर संगत के पास, जिसका वो कल्याण करने के लिए इस ब्रह्मांड में विराजमान है, वो हम अपने तरफ से सबके पास पहुंच रहे हैं और सबको ब्लेस कर रहे हैं और जो सबका कल्याण कर रहे हैं। और ये ग्रुप
बाकी जो ग्रुप हैं, क्योंकि हम तो अपनी भाषा में ही बात करेंगे, जो हमारे एक्सपीरियंस है अपनी भाषा में बात करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं गुरु जी की जो संगत में साथ साथ जुड़ते जा रहे हैं, जो अपनी भाषा में समझना चाहते हैं उस चीज को, जो हमने अपने एक्सपीरियंस को जो है ना गुरु जी के साथ रह के या गुरु जी की कृपा से जो हमने महसूस किया है, उन तक पहुंचे उनके शब्दों में, उनकी भाषा में पहुंचे, तो वो उनको इजी होगा। वैसे तो ये कहते हैं कि उस समय था कि गुरु जी, जैसे मैं जब एम्पायर स्टेट में जाना शुरू किया था 2006 में, तो मेरे को भी पंजाबी का कोई खास ऐसा कुछ था नहीं, हालांकि मेरा जन्म जो है वो पंजाबी मोहल्ले में ही हुआ था, लेकिन उसके बाद मैं छोटी 3-4 साल की उम्र में वहां से निकल आया, तो फिर ऐसे माहौल में पला बड़ा हूं जहां गुजरों को था, तो पंजाबी का कोई ऐसा मेरे को नहीं था, वहां बैठते थे, शब्द सुनते थे, अच्छे लगते थे, लेकिन बहुत कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन बाद में पता लगा कि गुरुजी ये कहते थे कि जिसको जो समझाना है वो उनका काम है, हमें उसमें ज्यादा अपने दिमाग पे जोर देने की जरूरत नहीं है कि हमने क्या समझना है, हमें तो सुनने के लिए गुरुजी ने बैठाया, और बस ये है कि ध्यान से सुनते रहो, पूरे मनन से मनोयोग से जो है ना सुनने की चेष्टा करो, तो जो गुरुजी ने समझाना हो वो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, भले ही हमारी भाषा कोई भी हो। लेकिन ये एक प्लस है जो इस ग्रुप के थ्रू जो है गुरुजी अपनी कृपा को जो है ना सबके ऊपर बरसा रहे हैं, और इतना इजीली वो डाइजेस्ट हो जाती है क्योंकि उनकी भाषा में है, उनको समझ में आता है कि गुरुजी ने कैसे कैसे संगत का कल्याण किया है, या कैसे वो जो दो शब्द बोलते थे कि कल्याण किता और जा ऐश कर। तो मेरी जर्नी गुरुजी के साथ रही है, और जितने भी सत्संग सुने हैं शायद ही कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो जो गुरुजी ने मेरे साथ ना किया हो, जो मैं संगत से सुनता रहा हूं और सुन रहा हूं। ये ठीक है, मैं अपने नॉर्मल लाइफ में भी मैं कहता कि अगर मैं काला हूं तो तभी कोई गोरा अपने आप को गोरा कह सकता है, तो जब हमें दुख आता है तब हमें सुख की जो है ना अहमियत पता लगती है, तो ये कुदरत ने जोड़े बनाए रखे हैं। क्योंकि एक वो है संवाद है कि कुंती जब पूजा पे बैठती थी तो वो एक अरदास किया करती थी कृष्ण जी से कि हे प्रभु मुझे दुख दे। तो एक बार कृष्ण जी ने उनसे बोला कि बुआ सारी दुनिया जब मेरी पूजा पे बैठती है तो वो कोई औलाद मांगता है, कोई महल माड़ी मांगता है, कोई धन माया मांगता है, कोई जमीन जायदाद मांगता है, तो दुख क्यों मांगती है। तो कुंती ने ये बोला कि महाराज जैसी मेरी जिंदगी में सुख आता है और मैं आपसे दूर होने लगती हूँ, और दुख में जो है ना आप सबसे नजदीक मेरे सबसे पास आप होते हो, क्योंकि ना तो उस समय जब असीम दुख आता है उस समय जब हम उसको फेस कर रहे होते हैं तो हमारा परिवार भी मतलब कुछ नहीं, निसहाय हो जाता है, डॉक्टर्स भी बेकार हो जाते हैं, और सिर्फ हमारी 1-to-1 होती है कि इंसान और उसका जो रब है प्रभु, जो ईश्वर है, जो उसका जिसको वो मानते हैं वो वहां तक लो जाती है, तो उस बीच में इस दुनिया का जो है ना वो तार कट जाता है और उस दुनिया से तार जुड़ता है जो एक्चुअल में हमें वहां तक जाने का एक जरिया, एक रास्ता बनता है। तो ये अगर जिंदगी में दुख ना आए तो शायद हम जो है ना किसी उसको याद भी ना करें, तो दुख तो हमें सबसे नजदीक उन तक पहुंचाने का रास्ता है। तो जिंदगी में अगर दुख आ रहा है तो ये मान के चलो कि प्रभु जो है ना आपके नजदीक है। एक से एक कैलेंडर की बात होती थी कि एक कैलेंडर में पहले 4 पांव चल रहे थे, फिर उसके समुद्र के किनारे में उसमें रेत के ऊपर 4 पांव नजर आ रहे थे, और फिर उसके आगे कुछ दूर जाके वो 2 पांव नजर आने लगे। तो उसने बोला कि महाराज जब मेरे पर घोर कष्ट आया तो तब आप मेरे साथ छोड़ के चले गए, पहले तो मेरे साथ चल रहे थे, 2 कदम मेरे थे, 2 कदम आपके थे, लेकिन उसके बाद जब मेरे ऊपर कष्ट आया तो आप जो है मेरे को छोड़ के चले गए और मेरे ही कदम नजर आ रहे। तो प्रभु ने बोला कि भाई जब असीम कष्ट आते हैं तो जब लगा तेरे को, तो पहले हम साथ साथ चल रहे थे, जब तेरे ऊपर कष्ट आया तो मैंने तेरे को गोद में उठा लिया, तो वो 2 कदम मेरे थे ना कि तेरे थे, तू तो मेरी गोद में था। तो यही है कि जब ऐसा कष्ट आता है वो तो हमें अपनी गोद में बिठा लेते हैं, तो हमारे कदम नजर नहीं आएंगे रेत में, सिर्फ उनके ही कदम नजर आएंगे। तो जिंदगी में कभी ऐसा लगे इंसान को कि मैं चारों तरफ से निराश है, कोई उसका साथ नहीं दे रहा या साथ देने के लायक नहीं है या साथ देनी चाह के भी नहीं दे पा रहा, तो ये मान के चलो कि वो ऐसी स्थिति है कि उस समय जब उसको अरदास लगती है तो वो सीधी जाती है, क्योंकि उसके बीच का जो एक दुनियावी जो चक्रव्यूह है वो कटा होता है उस समय। तो इंसान को चाहिए कि दुख से घबराए ना, बल्कि दुख में भी उसका शुक्राना करे कि क्योंकि वो सबसे नजदीक है और उसको पाने के लिए जो है ना
जो रास्ता, एक जो दरिया कह सकते हैं, जरिया कह सकते हैं, वो एक दुख भी है जो उस प्रभु तक जाने के लिए, क्योंकि सच्ची लो तभी लगती है जब हम चारों तरफ से जो है रास्ते बंद होने के बाद एक ही रास्ता खुला होता है जो उनकी तरफ जाता है। मैं अभी अपना जो है गुरुजी के साथ जो एक्सपीरियंस गुरुजी ने कराए हैं तो मैं उनको शेयर करता हूं। जब एम्पायर स्टेट में सेवा करते थे तो एक आंटी थे जो वहां जल प्रसाद की सेवा में रहते थे मेरी बिटिया के साथ में, तो उन्होंने कुछ बड़े मंदिर में जो शिव मूर्ति है, ब्रास की शिव मूर्ति बड़ी जो मेन हॉल में रखी हुई है, तो उसकी उन्होंने कुछ फोटोग्राफ लिए थे, वीडियो बनाई थी। तो उन्होंने जब एम्पायर स्टेट में दिखाया था हमें, हम सेवा कर जैसे टाइम से पहले जाके जो है ना सारा अरेंजमेंट करते थे, और उन्होंने उसने गुड़िया ने वो दिखाई थी अपने उसमें, तो मैंने उसमें देखा कि उसके अंदर जो है ना शिव जो है, जो ब्रास की मूर्ति है, उसकी चेस्ट जो है ना अप एंड डाउन हो रही जैसे ब्रीथ करते हैं, और उनके जो उसमें मनके जो थे माला जो डली हुई थी माला के, उसमें भी कई मूवमेंट थी, और जो शेष जो नाग जो गले में थे उसमें भी कहीं ना कहीं जो है ना जैसे मूवमेंट नजर आती थी। तो उस टाइम तक मेरे पास जो है वो सिर्फ वो टच वैसा फोन नहीं था जिसमें मैं वीडियो या फोटोग्राफ खींच सकूं, सिंपल एक फोन था वो जो कीपैड वाला फोन जो हुआ करता था। तो मेरे अंदर एक भाव पैदा हुआ कि मैंने कि काश, मतलब क्योंकि तब तक मेरे साथ कुछ ऐसा स्पष्ट, गुरुजी ने तो अपनी तरफ से कृपा मेरे साक्षात गुरुजी के माथा टेकने से पहले शुरू कर दी थी, लेकिन पता जब वो गुरुजी लगने देते हैं कि वो गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, गुरुजी का सत्संग है, तो वो जब गुरुजी चाहते हैं वो तभी हमें पता लगता है। तो तब तक मेरे पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि मैं किसी को ये शेयर कर सकूं कि हाँ मैं भी गुरुजी के पास जा रहा हूँ, मैं मेरे को भी गुरुजी ने कोई ऐसा एक्सपीरियंस दिया जिसको मैं अपने सत्संग के रूप में संगत को बता सकूं। तो मेरे मन में एक भाव आया कि काश मेरे पास भी ऐसा होता तो मैं भी फोटो खींचता, तो मैं भी किसी को दिखा सकता कि हाँ भाई गुरुजी की ऐसी ऐसी कृपा होती है। उसी दौरान जब ये मेरे अंदर चल रहा था तो मेरा भाई था बेंगलोर से, छोटे सबसे पांचवें नंबर का भाई था, वो बेंगलोर से आया हुआ था, उसने फर्स्ट टाइम नोकिया का एक चौड़ा सा एक फोन था जो जिसमें वीडियो और फोटो वगैरह ली जा सकती है। तो ऐसे हम बैठे हुए थे भाई, तो बातचीत चल रही थी, तो मैंने उसको बोला कि भी मैंने भी जो है, उसने अपना फोन दिखाया, तो मैंने उसको बोला कि मैंने भी ऐसे ही फोन लेना है एक, और मैं भी एक फोन जो है जिसमें ये वीडियो वगैरह और ये बन सके। तो उसने क्या कि मेरे से मेरा फोन लिया और मेरी सिम निकाल ली और अपनी सिम उसमें से निकाल के वो मेरी सिम डाल के मेरे को कह लो भाई साहब आप क्या लोगे, ये अभी लिया है मैंने, आप इसको ले लो। तो जो मेरी एक अंदर का भाव था कि मेरे पास वो मोबाइल फोन आ चुका, ऐसे ही बड़े मंदिर में सेवा कर रहे थे, फोन मेरे पास था, तो बड़े हॉल के अंदर जैसे मैं गया तो वो चीज मेरे अंदर वो जागृत होगी कि जो उन आंटी के फोन में मैंने देखा था कि मैं भी खींच के देखता हूँ कि क्या उसमें जो थी कोई, जैसे होता है ना कि कहीं ट्रिक फोटोग्राफी या ऐसा कुछ वो नहीं है, तो मेरे अंदर था कि मैं भी देखता हूँ कि गुरु जी मेरे साथ भी ऐसे ही कोई मतलब वो करके दिखाते हैं, या सिर्फ मेरा वहम था या संगत का वो वहम था उसके अंदर जो दिखाई दे रहा था। तो मैंने वहां उसमें फोटो खींचने की कोशिश की, तो जैसे ही मैं थ्रू कैमरा देखता हूँ तो जो चीज उन आंटी के वीडियो में दिखाई दी थी वो चीज मेरे को दिखाई देने लगी कि चेस्ट जैसे ब्रीथ कर रही है, मतलब शरीर मतलब संजीव ब्रास की मूर्ति ऐसे लगा जैसे संजीव है और उसके अंदर मतलब जान है, और वही उनके मनकों में थोड़ा हिलने का सा, और नाक का जो है नाक के ऊपर जो है ना थोड़ी सी नाक की भी मूवमेंट। तो मैंने बड़ी मतलब कोशिश की, बहुत जाके मतलब हाथ रोक के, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था, उससे पहले मैंने कोई फोटो भी नहीं खींची थी उस फोन से, और ना मेरे को पता था कि भी कैसे इससे वो किया जाता है, इसका ऑपरेशन कैसा है ठीक से। तो मुझे लगा कि मेरी खींचने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने थोड़ा सा हाथ स्टिल करके भी देखा, लेकिन मैं जैसे नजरें हटाता हूँ उससे, कैमरे से नजरें हटाता हूँ, तो बिल्कुल वो स्टिल बिल्कुल जैसी नॉर्मल है वैसी दिखाई देने लगी, लेकिन जैसे थ्रू कैमरा देखता हूँ तो वो सब कुछ दिखाई देने लगा जो उनके फोन में दिखाई दे रहा था। तो मैंने बड़ी हिम्मत करके स्टिल फोटो उसका लिया, वीडियो नहीं बना पाया मैं, लेकिन मैंने एक फोटो लिया, और जब मैंने फोटो क्लिक करके उसको देखा तो उसमें ऐसा था कि सामने से जैसे कोई भाग गया हो, पूरा एकदम से प्लस जैसे सामने से निकल के कोई एकदम तेजी से भागा है, इस तरह की फोटो आई पूरा। तो उसके बाद फिर मैं सेवा करते हुए नीचे गया, जिस कमरे में नीचे गुरुजी नीचे गाड़ी खड़ी करके, और जिस रूम के थ्रू जो है ना बड़े हॉल में गुरुजी आया करते थे, वहां भी एक छोटी ब्रास की मूर्ति हुआ करती थी।
शिव मूर्ति थी, तो उस वहां भी जाके जब मैं उस अपने मोबाइल को लिया तो मेरे अंदर वही जो भाव था कि वही बहुत बड़ी मूर्ति थी उसमें तो उन्होंने दिखाया था, इस छोटी मूर्ति में भी देखता हूँ। तो छोटी मूर्ति का जब मैंने उसको किया तो जैसे ही मैंने उसके सामने कैमरा लिया किया और कैमरे के थ्रू जैसे ही मैंने देखा तो वहां जो त्रिशूल था वो त्रिशूल की तीनों नोक की जगह तीन लपटें दिखाई देने लगी मेरे को, ज्योत पूरा लप लप आती हुई। अब मैं हटाऊं तो त्रिशूल और लगाऊं तो तीन ज्योत। अब मेरी वहां तो मेरी हिम्मत ही नहीं है कि मैं उसको स्टिल उसकी भी फोटो लेने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं वो एग्जिट पे कैसे हो गए, हाथ लग गया और वो कैमरे से बाहर आ गया। उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि मैं अंदर से पूरी तरह से एक तरह से हिल चुका। वो जो नजारा वो जो गुरुजी ने दिखाया था, वो जो दर्शन कराए थे, वो दर्शन करने के बाद मेरी हिम्मत ही नहीं हुई इसके बाद कि मैं उसमें आगे बढ़ के उसको फोटो खींच सकूं। तो यही एक्सपीरियंस में जब मैं जहां हम सेवा करते थे तो हम उनको मैं बता रहा था कि ऐसे से मेरे साथ हुआ। तो जेथरा अंकल थे हमारे साथ में, तो उन्होंने बोला कि अंकल आपका हाथ हिल गया होगा। तो उन्होंने मैंने कहा नहीं है ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं जब थ्रू कैमरा देखता था तभी वो चीज दिखाई दे रही थी और बिना कैमरे के उसके देखता था तो सब कुछ नॉर्मल था। तो अंकल ने मेरे से कैमरा लिया था, वो मोबाइल लिया, उन्होंने किया पहले वैसे करके देखा तो उनको भी वही चीज दिखाई देने लगी जो मेरे को दिखाई दे रही थी या उन आंटी के फोन में दिखाई दी थी। तो उन्होंने क्या किया कि कोहनी के नीचे हाथ लगा के भी कोशिश की कि हाथ ही लेना, कि वो मेरे से कह रहे थे कि आपका हाथ हिल गया होगा। वो जो मैंने फोटो दिखाई थी जिसमें ऐसा था कि सामने से कोई भाग के चला गया, तो उन्होंने कहा आपका हाथ हिल गया, तो उन्होंने कोहनी के नीचे लगाई। उसके बाद भी जब कोई बात नहीं बनी तो वो लेट के और कोहनी फर्श के ऊपर रख के उन्होंने कोशिश की। तो जब वो क्लिक करने के जा रहे थे तो मैंने अंकल को माने गया, मैंने कहा गुरु जी का आदेश नहीं है तो आप इसको क्लिक मत करो क्योंकि ये पहले मैं देख चुका हूं सारा। तो वो गुरुजी ने वो एक्सपीरियंस था। उसके बाद मेरे को पता लगा उन आंटी का फोन जो है ना वो करप्ट हो गया, उस अंदर से सब कुछ खत्म हो गया उसका, मतलब मोबाइल ही बेकार हो गया। तो जिस दिन उन्होंने मेरे को बताया कि ये मोबाइल जो है खत्म हो गया तो मेरे को एक खटका हो गया मेरे दिमाग में कि हो ना हो, क्योंकि ये गुरुजी ने उस फोन का जो एक पर्पज था, उन आंटी के फोन का जो पर्पज था वो पूरा हो चुका उस, क्योंकि उसमें वो चीज गुरुजी ने दिखा दी थी जो नजारा जो है ना नॉर्मली नहीं था, तो उसमें रहना नहीं था। और हो सकता है जितनों को दिखाना था गुरुजी ने उसको उनके कैम उसमें वो चीज दिखाने के बाद उसका पर्पज खत्म हो गया और उनका करप्ट हो गया। तो उन्होंने बताया तो मेरे भी एक खटका हो गया कि भाई मेरे फोन में भी ऐसा गुरुजी ने नजारा दिखाया। तो मेरे को उस दिन से थोड़ा थोड़ा एक अंदर एक भाव हुआ कि ये फोन भी अब जो है ना इसका पर्पज भी इसका पूरा हो चुका है। मैं उसको फोन को संभाल के रखता था। एक दिन एक स्टैंड के लिए मैंने बस पकड़ी और ऑफिस जा रहा था सुबह मॉर्निंग में, तो एक स्टैंड के जैसे ही जेब में हाथ मारा तो फोन गायब था, यानी कि नीचे लटके लटके में ये फोन गायब हो गया। मैंने दूसरे का फोन लेके और उसको उसमें कॉल किया तो वो स्विच ऑफ आ रहा, यानी कि उसका जो पर्पस था जो मेरे अंदर भाव था, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे अंदर उस उन आंटी के उसमें देखने के बाद एक जो इच्छा जागृत हुई थी उसका समाधान गुरुजी ने किया, और समाधान के बाद उसका पर्पस भी खत्म हो गया, उनका फोन भी करप्ट होकर खत्म हो चुका था और मेरा फोन मेरे हाथ से चला गया, खत्म हो गया। यानी कि मेरे थ्रू जो गुरुजी ने जितनों को दिखाना था वो दिखा दिया और उसके बाद बाकी उसका पर्पस खत्म हो गया। ऐसे एक बार बड़े मंदिर में सेवा कर रहे थे, बड़े मंदिर में सेवा करते हुए तो शाम को जाना था एम्पायर स्टेट में सेवा करने के लिए, तो मैं था और मनोज अंकल जिसके थ्रू गुरुजी ने अपने चरणों में बुलाया था मेरे को साक्षात, तो हम दोनों थे। तो उसने बोला कि भाई उस दिन मैंने जब बड़े मंदिर से हम जाने का टाइम हमारा हो रहा था तो उससे कुछ टाइम पहले मैंने बोला, मैंने कि आज तुम्हारी भाभी भी जो है ना बोल रही थी गुरुजी के यहाँ एम्पायर स्टेट जाने के लिए, तो मैं ऐसा करता हूँ उनको लेने चला जाता हूँ। तो उसने बोला कि नहीं भाई साहब आप एक काम करो, आप एम्पायर स्टेट जाओ और वहां जाके जो है ना जो सेवा का जो वो है वो सिस्टम वगैरह जो है उसको आप जाके अरेंज करो और मैं भाभी को लेने चला जाता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो मेरे से 20-25 मिनट पहले वहां से निकल के वहां जाएगा वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट के पास, वहां से वापस फिर बाद निकलता हूँ मंदिर से। तो मेरा नेचुरली था कि मैंने छोटे मंदिर जाना था, एम्पायर स्टेट जाना था, वहां जाके जो है ना जो जल सेवा का था और हैंड वॉश सेवा का था और जो जोड़े रखने की जो सेवा थी उन सेवाओं को जो बाहर अरेंज करना था कि संगत के आने से पहले जो है ना वो सारी चीजें प्रॉपर हो जाए, तो उसके लिए मैंने जाना था। तो मैं 20-25 मिनट बाद निकला। तो मैं जब
एक पॉइंट आता है जहां से एक तरफ छतरपुर मंदिर की तरफ जाता है रास्ता, और एक तरफ अभी जो कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन की तरफ जाता है, मतलब वी शेप बनती है, तो उस कोने पे वो खड़ा हुआ था और मेरी इंतजार कर रहा था। जब मैंने वहां पहुंचा तो उसने मेरे को रोका, तो मैंने बोला तू यहाँ क्यों खड़ा, तेरे को तो वहां जाना था। कह रहे भाई साहब आप भी चलो। तो मैंने कहा भाई अगर मैं नहीं जाने तो मैं जाके तेरी भाभी को ले आता हूँ, तुम जाके जो है ना एम्पायर स्टेट पे वो कर ले, जाके अरेंजमेंट कर ले। मैं चल दिया आगे आगे, मैं स्कूटर पे जा रहा हूँ, और जब मैं अपने क्वार्टर पे पहुंचता हूँ वहां जाके मैंने पहुंच जैसे उतरता हूँ मैंने देखा पीछे पीछे वो मनोज भी अपनी मोटरसाइकिल लेके वहां मेरे पीछे खड़ा हुआ है आके। मैं ऊपर गया, आंटी तैयार थे, उनको लेके आया और वापिस हम दोनों एम्पायर स्टेट, मैं आगे आगे था, पीछे पीछे मेरे वो था। अब वहां एम्पायर स्टेट गए, एम्पायर स्टेट जाके जो सेवा करनी थी वो सब करा, उस दिन वापस हम अपने घर आ गए। अगले दिन उसने मेरे को बताया, क्योंकि चारों दिन एम्पायर स्टेट जाना होता था सेवा के लिए, तो उस दिन मेरे को बताया कि भाई साहब जब मैं मंदिर से निकला तो यहाँ मैं पहुंचता हूँ इस पॉइंट पे, और यहाँ पॉइंट के बाद मेरे को ऐसा लगा कि मैं नहीं जा पाऊंगा आगे, तो मैंने इसलिए आपकी वेट की कि मैं बोलता हूँ कि आप भी चलो। तो कह रहा है मैं आपके पीछे पीछे मैं जा रहा हूँ, आपने मेरे को बोल दिया कि भाई मैं लेके आता हूँ तेरी भाभी को, तो मुझे जाके जो है ना वहाँ एम्पायर स्टेट में जाके अरेंजमेंट कर। कह रहा मैं आपके पीछे पीछे जा रहा हूँ, और पीछे पीछे गया मैं ये कह रहा था कि भाई साहब जा रहे हैं लेने के लिए, और फिर भी मैं क्यों जा रहा हूँ, लेकिन मैं मेरे सब रुका नहीं गया और मैं आपके पीछे पीछे गया, और आप उसको भाभी को बैठा के लेके आए और मैं आपके पीछे पीछे आया। तो मेरे कह रहे मैं समझ ही नहीं पाया कि डबल पेट्रोल क्यों फूंक रहे हैं, पर मैं रुक नहीं पाया। अब ये गुरुजी की लीला है, गुरुजी की कृपा है कि उस पॉइंट के आगे जाके लेफ्ट में एम्पायर स्टेट जाने में उसके लिए कोई तमाशा था या कोई दुर्घटना इंतजार कर रही थी या मेरे लिए कर रही थी, ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन हमें दोनों को गुरुजी ने राइट साइड डाइवर्ट कर दिया, और बिना किसी पर्पज के वो मेरे पीछे पीछे गया और पीछे वापिस आया, और वो कह रहा है मेरे से रुका ही नहीं गया। और मैं ये भी सोचता जा रहा हूँ कि जब भाई साहब जा रहे हैं तो मैं क्यों जा रहा हूँ, लेकिन मैं पीछे पीछे आपके जा रहा हूँ। तो ये कई चीजें हैं, कुछ जो समीकरण है, जो समीकरण है उनको गुरुजी जो ट्विस्ट कर देते थे, और वो चीज होनी थी तो उस तरह से नहीं होती थी जिस तरह से होती थी। एक बार एम्पायर स्टेट की बात है, मैंने सत्संग सुना था, उसमें एक लड़का था जिसने चंडीगढ़ या उसमें पंजाब में कहीं जाना था इंटरव्यू देने, अगले दिन उसका इंटरव्यू था, तो उसने सोचा कि एम्पायर स्टेट में गुरुजी को मत्था टेक के और कश्मीरी गेट से लास्ट बस पकड़ के जो है ना वहां चला जाएगा, और ओवरनाइट में जाकर सुबह जो है इंटरव्यू देने चला जाएगा। तो उसने वो जैसे एम्पायर स्टेट गया तो उसका पर्पज यही था, उसने गया मथा टेका चाय प्रसाद लिया और गुरुजी को से आगे लेने के लिए जैसे ही गया तो गुरुजी ने उसको बोल दिया कि वो चाय पी ली। उसने कहा कह रहे मेरे को कौन पिलाएगा, तो उसको वापस भेज दिया। गुरुजी ने चाय प्रसाद मंगाया, गुरुजी ने लिया, फिर उसके बाद फिर वो आगे लेने के गया, फिर गुरुजी ने उसको बैठा दिया लंगर के लिए। तो जब गुरुजी ने तो उसको बैठा दिया, लेकिन उसके अंदर ये था कि अगर मैं यहाँ से नहीं निकला तो वो लास्ट जो बस है वहां से कश्मीर गेट से वो निकल जाएगी। तो वहां बिना गुरुजी के आगे लिए वो जो चला गया, वो चला गया। तो थोड़ी देर बाद गुरुजी ने पूछा वो मुंडा वो बैठाया था वो किधर है, तो उन्होंने बताया देखा कि बाहर भी देखा इधर देखा सेवादारों ने, तो उन्होंने बताया कि शायद गुरुजी वो तो चला गया। तो थोड़ी देर बाद वो देखते क्या है कि वो जो है ना मतलब कपड़े फटे हुए खून वगैरह तो उसको लगा हुआ है, और जो है ना बाहर से होके आ रहा है वापिस एम्पायर स्टेट में आया गुरुजी का। तो गुरुजी ने उसको बोला कि बाहर तो तेरी जो है ना मौत इंतजार कर रही थी, और मैं वो बाहर इंतजार कर रही थी, मैं तेरे को यहाँ बैठा के रखा हुआ था लेकिन तू फिर भी चला गया। तो मतलब चलते मतलब वहां पहुंचते पहुंचते भी इतनी वो जो है उसके ऊपर इतनी वो हो गया कि एक्सीडेंट हुआ उसका, लेकिन उतना हुआ कि वो सिर्फ थोड़ी वो चोट वोट लग के ही और कपड़े फटके ही वो उसका वो हो गया, लेकिन एक्चुअल में उसका उस वो लास्ट डे था, मौत उसका बाहर इंतजार कर रही, गुरु जी उसको बैठा रहे थे। तो इसलिए ये संगत से यही अरदास होती है कि जब जाते हैं तो गुरु जी को मत्था टेकते हैं और आज्ञा लेके ही गुरु जी से जो है ना वापिस जाना होता है, क्योंकि जब आज्ञा गुरु जी देंगे तो गुरु जी को पता है कि कब किसको आज्ञा देनी। ऐसा होता था कि सभी कोशिश करते थे, मैं भी कोशिश करता था कि ज्यादा से ज्यादा टाइम गुरु जी के सामने रहा जाए, ज्यादा से ज्यादा टाइम गुरु जी के दर्शन होते रहे, लेकिन गुरु जी जिसको आज्ञा देते थे, मतलब जैसे हम जबरदस्ती बैठे तो गुरु जी इशारा कर देते थे, तो जिसकी तरफ इशारा किया वो फिर उसके बाद ठहर नहीं पाता था, कोई पिलर के पीछे छुपने की कोशिश करता था, लेकिन गुरु जी को पता है किसको कितने बजे कैसे कब छोड़ना है,
ऐसी भी संगत थी जिनको दो दो बजे ढाई ढाई बजे तक तीन तीन बजे तक गुरु जी साथ बैठा के रखते थे, तो लेकिन हर एक का टाइमिंग जो है ना गुरु जी का था, लेकिन बिना आगे के जो है ना कोई गुरु जी से बिना आगे लिए कोई जो है ना अपने वापिस मुड़ता नहीं था गुरु जी के दरबार से। ऐसे ही जब गुरु जी को मत्था टेकते थे तो मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई कि गुरु जी को मैं उनके चरणों को स्पर्श कर सकूं, क्योंकि इंसान को अपने जो कर्म है जो उसने किए हुए हैं या कर रहा होता है वो सब कुछ उसको पता होता है। अच्छे अगर उसको लगता है कि कुछ अच्छा उसके हाथ से हुआ है या उसके मार्फत हुआ है या उसका उसमें कोई योगदान है तो उसको बहुत गाता है और चाहता है कि वो दुनिया को बताए, दुनिया को पता लगे कि इसमें मेरा रोल है, ये मैंने किया। लेकिन जब कुछ बुरा उसके हाथ से होता है या बुरा उसका सोच में कहीं बुरा हो जाता है तो वो उसको छुपाता है, अच्छे को बताता है और बुरे को छुपाता है। लेकिन उस प्रभु को और इंसान को खुद को उन दोनों को तो पता ही होता है कि बुरा क्या है, उसने क्या क्या बुरा किया। तो जब मैं उनके चरणों की तरफ हाथ लगाने की सोचता था तो मैं अपने आप को सेल्फ असेस करता था कि क्या मैं इस लायक हो गया कि मेरे अंदर की बुराइयां मेरे अंदर की कमियां क्या, मतलब मैं उनसे उनसे विन ओवर कर लिया है मैंने कि जो मैं इनके मैं चरण छू सकता हूँ, इनको स्पर्श कर सकता हूँ। मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई कि गुरु जी को मैं स्पर्श कर सकूं। संगत करती थी सबको अपना अपना तरीका था, कोई साष्टांग करते थे, कोई चरण स्पर्श करते थे, कोई हाथ पे किस करते थे, कोई माथे पे भी करते थे, सबका अपना अपना तरीका था। गुरु जी को जो जैसे भी मतलब क्योंकि उसमें एक एक चीज कॉमन होती है, हमारा भाव। आप लेट के प्रणाम कर रहे हैं, हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं, आप बैठ के प्रणाम कर रहे हैं, आप चरणों को हाथ लगा के प्रणाम कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा भाव क्या है, क्योंकि उन तक जो पहुंचता है भाव है। ये सब जो मुद्राएं हैं ये तो सब जो है दिखावा है, ये दुनियावी जो उसके दुनिया को दिखाने के लिए तो ठीक है कि हम साष्टांग कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर भाव क्या है, उस भाव की पवित्रता और भाव का जो एसेंस है वो जरूरी है। तो मेरे मेरे को जब भी मैं कोशिश करता था तो मेरे अंदर से ये था कि मैं अपने आप को रोकता था कि अभी इस लायक नहीं हुआ कि मैं उनके चरणों को स्पर्श करूं। तो ऐसे ही था कि मैं 6 बजे ऑफिस मेरा छूटता था और मैं आरकेपुरम सेक्टर 1 से और वहां पहुंचने में मेरे को 20 मिनट भी आधा घंटा लगता था करीब। तो दरबार खुलने से पहले एम्पायर स्टेट में दरबार खुलने से पहले जब वो सेवा के वो करने के बाद मैं अंदर मत्था टेकने के लिए जाते थे तो ये सेवा मिलने के बाद तो ये हो गया था कि भी जरूरी नहीं है कि गुरुजी वहां अंदर बैठे मिलेंगे, गुरुजी हैं या नहीं है, अंदर गए गद्दी को मत्था टेका, क्योंकि हम तो ये उनको साक्षात लेके चलते हैं। आज भी जब हमारे सत्संग होते हैं तो सत्संग शुरू होने से पहले भी मेरे को तो यही लगता है कि वो हर जगह हर समय विराजमान है, तो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए नहीं, वो तो हर जगह है। जब भी उन अपने भाव से अपने आंतरिक उससे जब भी उनको मत्था टेकेगा तो उनको टिकी जाएगा और टिका ही रहेगा। तो मैं अंदर जाके जैसे मत्था टेकते थे तो एक बार ऐसी दरबार खुला तो गुरुजी एम्पायर स्टेट में जैसे थोड़ा डाउन स्टेट जाके और लेफ्ट साइड में जो है किचन था, किचन के साथ में एक सेटी हुआ करती थी, तो उस दिन गुरुजी उस पे बैठे हुए थे, टांग लटका के बैठे हुए थे। तो सारी संगत जैसे 4-5 लोग मेरे से आगे थे जिन्होंने जो लाइन में लगे हुए थे गुरु जी को मत्था टेक रहे थे बारी बारी से। तो मेरा मेरी जब टर्न आई तो उस दिन में मेरा कोई ऐसा भाव नहीं रहा कि मैं गुरु जी के चरणों को स्पर्श कर सकूं या उनके चरणों में अपना माथा टिकाऊं या उनको हाथ से स्पर्श कर सकूं। तो मैंने एक उनके चरण लटके हुए थे उस पे ऊपर बैठे हुए थे सेटिंग पे, तो मैंने करीब 1.5 फीट पहले उस गैप रख के मैंने जो है जमीन पे जो है फर्श पे मत्था टेका। लेकिन जैसे ही मैं जब फर्श पे मत्था टिका रहा था तो मेरे माथे पे जो है ना गुरुजी के चरण लगे, तो काफी मतलब इतना तेज मेरे माथे पे महसूस हो। तो मैं ये कहने लगा कि मैंने तो गुरुजी के चरणों को छूने का मतलब प्रयास नहीं किया ना मत्था टेकने का उनको प्रयास किया, लेकिन ये कैसे हुआ। पर जितनी जोर से मेरे को लगा तो मुझे लगा कि मेरे जो लगा तो गुरुजी के चरणों में भी इतना हुआ, क्योंकि हम अगर किसी को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो ये है कि जितनी जोर से मारने की कोशिश करते हैं तो हमारे हाथ में अगर डंडा है तो जितनी जोर से उसके लगेगा तो डंडे की एक फोर्स जो है वो हमारे हाथ में भी आएगी। या किसी को चांटा मारते हैं, किसी को मोक्का मारते हैं, उसके जो लगेगा लगेगा, लेकिन हमें भी उसका कुछ लगेगा। हम उसको मारने के साथ साथ खुद को भी मारते हैं। तो मेरे को लगा कि मेरे को नहीं समझ में आया, और मेरे को यही लगा कि उनको पता था कि साक्षात गुरु जी ने दर्शन दिए, सशरीर गुरु जी ने जो है ना अपने सामने बुलाया, लेकिन मैंने कभी अब ऐसी हिम्मत नहीं की ना अंदर अपने अंदर इतना वो कर पाया, क्योंकि हमेशा मैं सेल्फ असेसमेंट में लग जाता था कि क्या मैं इस लायक हूँ कि मैं इनके चरणों को स्पर्श कर सकूं।
तो मैं कभी अपने आप को पूरा नहीं पाता था कि उनके चरणों को स्पर्श करूं, लेकिन मैंने उनको कभी स्पर्श नहीं किया, ना मेरी कभी हिम्मत हुई, लेकिन गुरुजी महाराज की ये कृपा रही कि उन्होंने मेरे अपने चरणों को मेरे माथे में लगा के, और मेरी जो जिंदगी की जितनी सलवटें थी, जितनी जो मतलब ऐसी चीजें थी जो मेरी लाइफ में, जिनको दुनियावी अगर उसके देखा जाए तो एडवर्स जो स्टेजेस थी मेरी लाइफ की, जो रेस्ट ऑफ लाइफ जो था, उनको सबको जो उन्होंने एक सिलबटे को सबको एकदम से खत्म कर दिया, और लाइफ का एक स्मूथ जिसमें ना कोई ब्रेकर है ना कोई गड्ढा है, बिल्कुल ठीक ठाक है। मुझे कोई कभी सोचने की जरूरत नहीं पड़ी कि गुरुजी के यहाँ जब से मत्था टेका तब से कोई ऐसी कोई जरूरत मेरी जिंदगी की जो मेरी जिंदगी में आई हो और उससे पहले उसको कोई समाधान गुरुजी ने ना बख्शा हो। ऐसी बड़े मंदिर में हम सेवा कर रहे थे, एम्पायर स्टेट में गुरुजी बैठते थे, तो एक दिन रात को लेट हो गया हम। उस दिन एम्पायर स्टेट में हमारा वो नहीं जाना नहीं था, चारों दिन के अलावा की मैं बहुत बात कर रहा हूँ, क्योंकि गुरुजी तो सातों दिन वहां होते थे लेकिन चार दिन संगत लगाते थे। तो हम वहां सेवा कर रहे थे तो एम्पायर स्टेट से बड़े माली अंकल आए, तो उन्होंने जो मनोज को एक प्रसाद दिया, उनको बोला कि जो है जेथरा अंकल के जो बड़े बेटे हैं सुमित जेथरा अंकल, कि भाई ये प्रसाद अभी गुरुजी ने बोला कि अभी उनको दे के आओ। अब हम दोनों थे लास्ट में, मैं अपने स्कूटर पे था, वो मोटरसाइकिल पे था, तो उसने वहीं बड़े मंदिर से उसको उनको फोन किया सुमित जेथरा अंकल को कि अंकल आप कहाँ हो, तो उन्होंने बताया नहीं। फिर उसने मनोज ने उनको बोला कि अंकल मेरे को ऐसे ऐसे आदेश हुआ है और गुरुजी ने प्रसाद आपके लिए भिजवाया है, तो आप जहां हो मैं उसको वहां लेके आऊंगा, कि मेरे को अभी ये आदेश है कि अभी के अभी ये आपको दे के आना है। तो आप अगर अपने घर हो, जहां वो उस समय किराए में रहते थे, किराए पे रहते थे, सूर्य नगर शायद था, ये बॉर्डर की तरफ यूपी बॉर्डर में, कि वहां हो तो मैं वहां आता हूँ, आप अपने इन-लॉज के हो तो वहां आता हूँ, और आपके अपने पेरेंट्स के हो तो वहां आता हूँ। तो उन्होंने बताया कि मैंने किसी को नहीं बताया, और मैं आंटी को लेके यहाँ तीर्थराम हॉस्पिटल पड़ता है इसमें सिविल लाइंस की तरफ, कह रहे मैं वहां आया हूँ, और डॉक्टर ने जो है ना बड़ी क्रिटिकल स्टेज है, डॉक्टर ने बोला है कि ये आप तय कर लो कि आपका आपको बच्चे मतलब बचाने हैं या इनको माँ को बचाना है, तो ये डिसाइड करो। और मैं इससे पहले एक बता देता हूँ कि मनोजी अंकल को जो है गुरुजी ने एक वो किया था, जब तक ना सुमित आंटी को पता था, किसी को भी नहीं पता था कि वो कंसीव कर चुके हैं, तो उसको मनोज को गुरुजी ने वो बताया था कि वो कंसीव भी हो गया, ट्विंस थे। तो जब उसने क्योंकि वो अनमैरिड था, उसको इस बात का समझ में नहीं आया, उसने जिक्र किया, जिक्र करने के बाद मैंने बोला कि भाई ये तो वही बता सकते हैं जिनका जिनके साथ हो रहा है, तो वही बता पाएंगे क्या हो रहा है। तो उसने जो है सुमित अंकल से पूछा कि भाई ऐसे ऐसे जो है ना मेरे को ऐसा हुआ है कि वो जो है ना ट्विंस हैं उनको, तो उन्होंने उनके ख्यालों में भी उस टाइम नहीं था कि वो जो है वो कंसीव कर चुके हैं, लेकिन बाद में जब टेस्ट कराया तो पता लगा हाँ कंसीव भी हुए हैं और ट्विंस हैं। और जब जिस रात को वो तीर्थराम राम हॉस्पिटल में उनको वो प्रसाद गुरुजी ने जो भिजवाया था कि इनको अभी देके आना है, वो प्रसाद दिया, तो जब वो बाद में वहां से सब फ्री होके तब आए थे, तब उन्होंने बताया कि उस समय हम दोनों बैठे हुए थे और हम ये नहीं तय कर पा रहे थे हम डॉक्टर को क्या जवाब दें, क्योंकि हमारे लिए दोनों जरूरी थे। फर्स्ट इशू था, इसलिए हमें ये था कि औलाद भी चाहिए, और अगर आंटी नहीं है, आंटी नहीं होगी तो फिर औलाद का भी क्या करेंगे, पाले का कौन, या मतलब जो सपना है वो तो अधूरा ही रह जाएगा। हम बड़े उसमें पेसो पेस में थे, और कह रहे जैसे ही गुरु जी का प्रसाद आया हम दोनों ने खाया और आराम से सो गए, और सुबह जब हुआ है तो सारा प्रोसेस हुआ, नॉर्मल डिलीवरी हुई। तो गुरु जी मंदिर के बाहर भी गुरुजी ने अगर किसी को भिजवाते हैं, क्योंकि यूएस तक में भी गुरुजी ने प्रसाद भिजवाया जिसके रिजल्ट हुआ है, तो गुरुजी जिसको चाहे तो मंदिर के बाहर भी वो प्रसाद ही रहता है। सिर्फ ये एक कि यहाँ खाएंगे तो प्रसाद है दवाई है, वहां बाहर खाएंगे तो मिठाई है, वो जो वाली बात ही है कि प्रसाद का अनादर ना हो, प्रसाद को जितना जल्दी हो सके, क्योंकि शिव पुराण में कहीं एक प्रसंग है उसमें ये कहते हैं कि कोई प्रसाद अगर किसी उसका ईस्ट का किसी का प्रसाद अगर आपको मिल रहा है, आप उसको अगर सेकंड के भाव भी आपका आता है कि लूं या ना लूं, तो जिस ईस्ट का वो प्रसाद है उसका आप अनादर कर दे। तो यही होता है कि प्रसाद जो हमारे हमें जो मिलता है, प्रसाद का मतलब है उनकी कृपा, उनकी ब्लेसिंग्स होती है उसमें भी, और उसके थ्रू जो हमारा कल्याण होना है,
उसके लिए जो वो दे रहे हैं तो उसको हम विचार करें, उसको छोड़ दें, उसका यही था कि पूरा पूरा खाते हैं। और गुरुजी ने यही एक प्रोसेस किया हुआ था कि लंगर के बाद में आपको कुल्ला करने नहीं देते, क्योंकि प्रसाद का एक एक कण जो है ना वो हमारे काम का, जो हमारे मुंह से बाहर चला गया पता नहीं उसमें वो भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर काम करता, इसलिए गुरुजी सीधा करते थे नीचे लंगर प्रसाद करा के, और लंगर प्रसाद करा के अगला टर्न जो वो होता था वो जल प्रसाद का होता था कि मुंह के अंदर जितने कण आ गए प्रसाद के वो भी आपके अंदर चले जाए, इसलिए कुल्ला नहीं करते थे, क्योंकि एम्पायर स्टेट में तो मैनुअल हैंड वॉश होते थे तो वहां तो ऑप्शन ही नहीं था कुल्ला करने का। और बड़े मंदिर में भी जो है ना वहां जब सेवा लगती थी तो टूटी से जब हैंड वॉश होता था तब भी वहां संगत को सेवादार सेवा के लिए खड़ा करते थे कि भाई वहां जो है कुल्ला ना करें, लंगर लेके आए कुल्ला ना करें, सीधे जाए जल प्रसाद लें और घर जाए। तो ये गुरु जी के प्रसाद की है, क्योंकि हमारे मतलब जो रोग हैं कुछ मानसिक रोग होते हैं कुछ शारीरिक रोग होते हैं, तो मानसिक रोग के लिए तो गुरु जी ने जो ना शब्द है सत्संग है, ये जितना आप ध्यान से सुनेंगे तो आपके मानसिक जो है, क्योंकि आज की जो ज्यादा बीमारी जो हमारी जो मानसिक ज्यादा है और मानसिक के साथ शरीर बीमार होता है, ये जैसे शुगर का बताते हैं बीपी का बताते हैं, ये पहले कोई चिंता हमें लगती है, चिंता खाने शुरू करती है, हमारे दिमाग में कोई परेशानी पैदा होती है और वो उसके बाद शरीर में जो है केमिकल इम्बेलेंस होता है, तो उसके मानसिक जो हमारी जो परेशानी है उसके लिए ये है कि जितना हम ध्यान से जितना कूल शांति से बैठ के शब्द सुनेंगे सत्संग सुनेंगे तो जितना हमारे अंदर तक जाएगा वो हम उसमें अंदर जाके वो एक्टिवेट होगा। इसीलिए गुरुजी के यहाँ ये था कि आपने सिर्फ सुनना है उसके साथ उच्चारण नहीं करना, क्योंकि उच्चारण करने से क्या है कि कान में सुना और मुंह से निकाल दिया अंदर जाएगा नहीं तो एक्टिवेट ही नहीं होगा। तो इसलिए गुरुजी सिर्फ सुनने के लिए बोलते थे, समझने की भी वो नहीं थी कि आपने कोई चीज समझनी है या किसी उसमें जजमेंट करना है, किसी की रीजनिंग करनी है कि ऐसा हो सकता है या ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, ये सब गुरुजी का है। उन्होंने तो बोला कि सिर्फ ध्यान से सुन लिया जाए, क्योंकि शब्द में बहुत शक्ति होती है और शब्द जो है ना ये मंत्र जो है वो शब्द ही तो है, एक एक मंत्र में इतनी उन शब्दों की इतनी ताकत होती है कि उससे किसी को जिंदा भी किया जा सकता है और किसी को मारा भी जा सकता है, तो शब्द की बहुत शक्ति है। इसलिए गुरुजी जो संगत को वो करते हैं कि सिर्फ सुन भर लो, उसको अंदर जाने दो तो उसकी शक्ति एक्टिवेट होगी, अगर आप मुंह के रास्ते उसको साथ साथ गा के निकाल दिया तो वो अंदर गया ही नहीं, क्योंकि वो हृदयंगम होना चाहिए, आपके हृदय के अंदर तक जाना चाहिए, वो सिर्फ ऊपरी ऊपरी नहीं, ये गले से ऊपर के उसमें नहीं है कि कान से सुना आंख से देखो वो कर दिया, उसको आत्मसात करने वाली चीज है, तो तभी होगा जब हम उसको ध्यान से सुनेंगे और उसको आत्मसात करेंगे उसको गुनेंगे। क्योंकि एक वो बहुत पुराने 325 ईस्वी का आसपास का कुछ ऐसा कोई एक प्रसंग है कि चाइना में जो है ना पूरा तंत्र भ्रष्ट था, पूरी सोसाइटी जो है ना सब उसमें फेल हो चुका, अनाचार दुराचार ये सब कुछ चल रहा था, तो वहां का उस समय का राजा था वो बड़ा परेशान था कि वो अपनी सारी ताकत लगा के सब कुछ करके जो है ना वो उसको अपने समाज को अपने देश के जो लोगों को उनको संभाल नहीं पा रहा था, मतलब जो राइट ट्रैक है उस पर नहीं ला पा रहा था। तो बताते कि भारत से कोई बोधगया नाम का कोई भिक्षु था जो बौद्ध धर्म को मानता था, उसको यहाँ से लेके गया कि उसको वहां प्रवचन दिला के और उनके उनको सुना के और उनके मन की मन स्थिति को चेंज किया जाए, वो उस जो दुष्कर्म दुराचार और जो उनपे जो लोग लगे हुए हैं उससे वो सदाचार उस सत्कर्म की तरफ डाइवर्ट हो, तो उसके लिए वो जाते थे। तो उसको लेके गया वहां जाके उस समय बताते हैं कि राजा के साथ करीब 1000 लोग बैठ के जो है ना उसका उनका सत्संग सुनते थे, लेकिन जो बोधगया जो भिक्षु थे उन्होंने देखा कि वो रोज सत्संग सुनाते हैं लेकिन सत्संग का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता, क्योंकि उनके व्यवहार में उनकी हरकतों में उनकी बोलचाल में उनकी भाषा में उनके कृत्यों में कुछ चेंजेस नहीं आ रहे, परिवर्तन नहीं हो रहा, यानी कि सुन तो रहे हैं लेकिन गुण नहीं रहे, उसको सुन रहे हैं लेकिन गुण नहीं रहे। तो उसने एक दिन क्या किया कि क्या किया जाए कि ये उस मर्म को जाने कि सिर्फ सुनना ही काफी नहीं है, उसको गुनना भी जरूरी है, और जब तक गुनोगे नहीं तो सुनने का भी कोई फायदा नहीं है। तो उसने क्या किया कि एक दिन राजा बैठा हुआ था और उसमें लोग जो है उनके जो अधिकारी थे वो बैठे थे और समाज के लोग बैठे हुए थे, और उन्होंने जो भिक्षु थे
भिक्षु ने दीवार की तरफ मुंह करके, मतलब उनकी तरफ पीठ कर ली और दीवार की तरफ मुंह करके, और उन्होंने प्रवचन देना शुरू कर दिया। तो जब वो प्रवचन दे रहे थे तो बड़े सारे लोग बड़े परेशान कि हम लोग इधर बैठे हैं और ये दीवार को जो है ना प्रवचन सुना रहे हैं, तो बाकी किसी की हिम्मत नहीं। राजा ने बोला कि महाराज क्या हो रहा है कि हम सब लोग तो इधर बैठे हैं, आप जो है दीवार को वो सुना रहे। तो उन्होंने पलट के बोला, कह लगे मैं आपको सुनाऊं या दीवार को सुनाऊं, ना आप को कुछ सुनाई देता है ना दीवार को सुनाई देता है, ना आप में कोई चेंज होता है ना दीवार में कोई चेंज होता है, ना आप अपने व्यवहार में कहीं किसी तरह का परिवर्तन ला रहे हो, ना आचार में परिवर्तन ला रहे हो, तो ना दीवार में कुछ हो रहा है। तो मैं दीवार को सुनाऊं या आपको सुनाऊं तो कोई मेरे लिए कोई फर्क वाली बात नहीं है। तब राजा की समझ में आया और उन लोगों की समझ में आया कि सिर्फ सुनना काफी नहीं है, सुनने के बाद उसको गुणना और अपने जीवन में उसको ढालना, जो जो कमियां हमें अपने आत्म अभिलोकन में जो है चीज जो हमें महसूस होती है या जो चीज हमें बुरी लगती है, दूसरा कोई करता है तो बुरी लगती है, हम उसको जब करते हैं तो उसको एक व्यवहार के रूप में लेते हैं, लेकिन यह है कि जो हम दूसरे से अपेक्षा करते हैं वैसा ही व्यवहार करें, और जो चीज हमें लगता है कि हम हमारे से हमारी कमियां हमारी गलतियां परेशानियां हमको छोड़े, तो यही गुणना है कि शब्द सुने तो उसके अंदर जो चीज जो तथ्य जो तत्व जो वो हमें बताना चाह रहे हैं जो जो हमारे तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो तभी कामयाब है जब हम उसको सुनने के बाद उसको गुने। और सुनेंगे कब, ये गुनेंगे कब, जब हमें अच्छे से सुनना आ जाएगा, क्योंकि सुनना आ जाएगा तो समझना आ जाएगा, जब समझना आ जाएगा तो जब जो भी हम करेंगे उसमें मतलब राइट ट्रैक पे होंगे, अपने आप को सही उस पे होंगे। बड़े मंदिर में ऐसी हम शनिवार की सेवा कर रहे थे तो गुड़गांव में पहला बड़ा एनुअल सत्संग था उस बार, तो गुरुजी को जो संगत थी वहां वो उसका कार्ड लेके आई थी, तो गुरुजी को जब पहला कार्ड दिया वहां रखा था उन्होंने समाधि के ऊपर, उसके बाद दूसरा कार्ड उन्होंने मेरे को दिया, मैं फर्स्ट था, तो उन अंकल ने मेरे को बोला था स्पेशली कि अंकल गुरुजी के बाद पहला कार्ड मैं आपको दे रहा हूं और आप जरूर आना, और जितनी नई संगत को लेके आ सकते हो तो उनको सबको लेके आना एनुअल सत्संग में। तो उससे पहले मैंने कभी गुरुजी के सत्संग को अटेंड नहीं किया था, क्योंकि पहले गुड़गांव की संगत थी जिसको गुरुजी ने मंथली सत्संग वो परमिट किया था, दिल्ली की संगत तो उसमें अलाउड नहीं थी, तो हम सुनते थे सत्संग, लेकिन सत्संग का प्रारूप क्या है, सत्संग होता क्या है, गुरुजी का क्या उसकी व्यवस्था है, कुछ नहीं पता था। तो एक उमंग थी, एक उल्लास था कि भाई जाके भाई हमें भी मौका मिला कि गुरुजी का वो भी एनुअल सत्संग गुरुजी का सुनने को और देखने को मिलेगा, तो मेरे मन में था। तो हम जितने सेवा कर रहे थे हमारे सबका यही था कि संडे को जो है हम सुबह 11 बजे से था तो हम सत्संग में जाएंगे, लेकिन शनिवार को जैसे हम सेवा ओवर करके बाहर की तरफ निकल रहे थे तो बड़े माली अंकल आए, और बड़े माली अंकल ने बोला कि अंकल कल जो है ना ये सेवा होनी, एक स्पेसिफिक सेवा थी और थोड़ी टफ भी थी उस हिसाब से जो उससे पहले जितनी सेवाएं की थी उसके मुकाबले उसको थोड़ा टफ भी था, अलग से थी, तो शायद मेरे अलावा जो है ना और किसी संगत जो मेरे साथ सेवा में संगत थी गुरुजी की वो शायद उससे पहले उन्होंने उस तरह की सेवा का एक्सपीरियंस भी ना लिया हो। तो हमने माली अंकल को जो है ना टाला कि भाई हम जो है ना मंडे को आके कर देंगे, बुधवार को आते हैं तब कर देंगे, तो काफी हमने कोशिश की, लेकिन माली अंकल ने बोला कि ये सेवा तो कल ही होनी है, अगर आप लोग करने नहीं आ रहे तो हम ये सेवा किसी और को चली जाएगी। तो हम वहां से बड़े मंदिर से निकल तो मेन गेट से, लेकिन वहां से आगे ना जा पाए, हमारा मन जो कहता था हमारे अंदर जो चल रहा था वो चल रहा था कि सत्संग एनुअल सत्संग में जाना है, और हमारी हर कोशिश जो है ना माली अंकल ने फेल कर दी कि वो उन्होंने बोला कि सेवा तो कल ही होनी है, अगर आप लोग नहीं करने आ रहे हो तो किसी और को चले जाए। तो पहले नॉर्मली क्या होता था क्या कि जब गुरुजी चोले में थे तो हमें जितनी सेवाएं जो गुरुजी बख्शते थे वो थ्रू माली अंकल के या उनके उसके में देती थी, और हर छोटी से बड़ी चीजें जो है माली अंकल से बात करते थे, गुरुजी से कुछ चीज पूछवानी हो गुरुजी से को कुछ कहलवाना हो तो तब भी माली अंकल से थे, हमारी डायरेक्ट गुरुजी से जो है ना कभी मतलब एक शब्द की बात हुई थी, जब एक बार उन्होंने दिन हम मेरा बांधा था पूरी लाइन में, वो बोला था कि फ्राइडे आई, एक दो शब्द मेरे से बोले थे, उसके बाद भी सेवा के लिए गुरुजी ने वो चारों दिन फिर वो ब्लेस कर दिए, चारों दिन एम्पायर स्टेडियम में जाना शुरू किया था। तो अब मनोज जो है मनोज मेरे से बोला कि भाई साहब क्या करें, ये माली अंकल ने तो बिल्कुल वो कर दिया कि ये सेवा, अब मन में था कि गुरुजी सेवा बख्श रहे और हम सेवा को अवॉइड कर रहे हैं, तो हम वहां बैठ गए, आगे जाने का था नहीं। तो अचानक मेरे को जो गुरुजी ने एक विजन दिया,
तो मैंने मनोज से बोला, मैंने कि मनोज एक चीज बता कि एक कार्ड हमें किसी के जन्मदिन का या शादी का आ रहा है, और एक हमें संदेश मिलता है कि कोई परेशानी में या किसी को कोई दुख दर्द है या कोई बीमार है या कहीं किसी की मौत हो गई है, तो हम प्रेफर किसको करेंगे? तो कह लेंगे भाई साहब जो दुखी वाली जो सूचना है हम उसको प्रेफर करेंगे, वहां जाना है वो करेंगे, क्योंकि जो शादी ब्याह है जन्मदिन है ये तो अगर नहीं भी जाएगा तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन कोई परेशानी में और उसको 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 प्रायोरिटी देंगे, उसके पास पहले जाएंगे, उसकी परेशानी में हम कुछ सहयोग कर सकें, उस परेशानी से उसको हम बाहर निकाल सकें, तो ये सब बातें होने लगी। तो मैंने उसको बोला ठीक है, गुरुजी की तरफ से जो डिसाइड हो गया कि सेवा और सत्संग में अगर दो चीज में से ऑप्ट करना है तो सेवा जो है वो पहले है, क्योंकि सेवा है टू मेक अप समथिंग, कोई चीज बिगड़ी हुई है, किसी सेवा करने से कोई चीज ऐसी है जिसमें संगत को कोई परेशानी हो रही है और वो सेवा करने से उस संगत को सुविधा हो जाए, तो सेवा दुविधा नहीं है, सेवा सुविधा का नाम है। तो ये मैंने कहा कि ठीक है हम कल यहाँ आएंगे, तो हम 5-6 संगत के लोग जो है वो हमने वहां नहीं गए, उसमें नहीं गए हम सत्संग में, और वहां सुबह 6 बजे से लेके हमने सेवा शुरू की थी, शाम के 6 मतलब पूरा 12 घंटा चली, और बहुत मतलब सेवा को क्योंकि एंजॉय करते हैं, जब दिल से करते हैं कोई काम तो उसमें एक जैसे म्यूजिक होता है ना, एक संगीत बजता है, कभी भी हम काम करेंगे और दिल से करेंगे तो उसके अंदर एक रिदम आती है, और वो मैंने महसूस की अपने ऑफिशियल काम में भी की है, और कभी जब ट्रेनिंग वगैरह की थी तब भी वही चीज की है कि दिल से जो भी काम करेंगे उसमें एक रिदम होती है, आदमी को एक मजा आता है, उसमें थकान उसमें परेशानी या उस तरह की कोई चीज नहीं आती, मन में भाव आता है और एक प्रफुल्लता होती है। तो वही चीज उस दिन थी कि सेवा थोड़ी अगर पहले के हिसाब से देखा जाए, उन लोगों के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा लग रहा था कि कठिन है, लेकिन उसको करने में जितना एंजॉयमेंट हुआ ये सब गुरुजी की कृपा थी कि हमने हंसते खेलते उस सेवा को भी परफॉर्म किया, गुरुजी ने कराया, क्योंकि सेवा बख्शते भी गुरुजी हैं, सेवा कराते भी गुरुजी, और सेवा का क्योंकि मेरे को गुरुजी ने सेवा के साथ जोड़ा था, इसलिए जो ज्यादा मेरा जो एक्सपीरियंस गुरुजी ने कराया तो वो सेवा के उसको एक सेवा का मतलब क्या होती है, सेवा का किस लिए सेवा गुरुजी कराते हैं, ऐसी ये फंक्शन की सेवा कर रहे थे बड़े मंदिर में, तो बड़े मंदिर के जो वो था फर्श था तो गुरुजी तो क्लीन एंड क्लियर बिल्कुल चाहते थे, जो क्लीननेस की जो आजकल जो बात चल रही है, जो स्वच्छता अभियान चल रहा है, तो ये गुरुजी के उसमें तो शुरू से डे वन से हमने महसूस किया कि हर चीज में बिल्कुल क्लीननेस एकदम स्वच्छता होती थी। बड़े मंदिर में बड़े बड़े फंक्शन होते थे उस समय, तो रात को जब संगत सारी फंक्शन अटेंड करके चली जाती थी तो सुबह कोई संगत आके कोई बाहर का आदमी आके ये नहीं बता सकता कि कल इतनी संगत आके यहाँ से गई है, क्योंकि एक भी जैसा मंदिर जो है ना खुलने से पहले हुआ करता था ऐसी अगले दिन के लिए तैयार रात को ही तैयार करके जाते थे, उसमें कहीं कोई ऐसी कोई गंदगी किसी तरह कुछ नहीं, बिल्कुल साफ करके जाते। तो फंक्शन की सेवा चल रही थी तो बड़े मंदिर में वो हम फर्श साफ कर रहे थे, उसमें काफी दाग थे, हमने काफी कोशिश की लेकिन वो दाग नहीं छूट रहे थे, मतलब जूने से रगड़ा सब कुछ करके देख लिया, केमिकल उसमें यूज नहीं कर सकते, फर्श का सरफेस खराब हो जाएगा। तो हमने जो है माली अंकल को बोला, मैंने कि अंकल ये जो ना दाग तो छूट नहीं रहे और फंक्शन आ रहा है तो ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहे, तो आप एक काम करो जो ना इस पे जो ना मशीन चलवा दो। तो माली अंकल ने बोला कि अंकल ये तो गुरुजी से पूछना पड़ेगा। तो एम्पायर स्टेट गए गुरुजी के पास, तो अगले दिन हमने पूछा कि अंकल गुरुजी ने क्या बोला, तो उन्होंने बोला कि गुरुजी ने बोला कि नहीं मशीन नहीं चलनी, संगत से बोलो कि संगति इसको सेवा संगति सेवा करेगी, इसको साफ करेगी। तो एमवे वाला भी एक बुलाया था हमने, एमवे वाले को बुला के और उसको हमने उसने करीब जो है जो बाहर उस पे शेषनाग के नीचे जो शिव मूर्ति है बाहर जो है उसमें कमल के फूल पे वहां वो बैठ के उसने करीब आधे घंटे तक प्रवचन दिए अपने उस प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन जब उसने अप्लाई किया तो वो उस पर कोई काम नहीं किया। तो उसने बोला कह लगी जी इतना अच्छा प्रोडक्ट है और इतने बढ़िया है, हर जगह जो है ना इसका बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं, लेकिन यहाँ पता नहीं क्या हो रहा है और समझ में नहीं आ रहा यहाँ क्यों नहीं कामयाब हो रहा। यानी कि उसके प्रवचन जितनी देर हमने सुने थे उतनी देर वो अपने उसको अप्लाई करने के बाद ठहर नहीं पाया हमारे साथ में और वो चला गया, वो कह रहा है यहाँ पता नहीं क्यों यहाँ ये काम नहीं कर रहा। फिर हमने जब काफी कोशिश की, कोशिश करने के बाद जब फिर माली अंकल से बोला कि अंकल ये दाग तो छूट नहीं रहे तो इस पे तो एट लास्ट जो है ना मशीन ही चलवानी पड़ेगी, तो गुरु जी से पूछ लो इस पे मशीन चलवा लो।
फिर वो गए गुरुजी के पास में और एम्पायर स्टेट में. नेक्स्ट डे आके हमने पूछा कि अंकल गुरुजी ने क्या क्या बोला मशीन के बारे में. तो माली अंकल ने बोला कि गुरुजी ने बोला है कि ये संगत से बोलो कि ये तुम्हारे अपने ही धागे जितने छुटा सकते हैं छुटा लो. जब ये गुरुजी का मैसेज मिला कि ये हमारे अपने ही धागे जितने छुटा सकते हैं छुटा लो, तो फिर जितनी सेवा में संगत थी, जितनी भी सेवा में संगत थी, ये मैसेज गुरुजी का मिलने के बाद तो मतलब लेट लेट के पता नहीं कितने कर्तव्य किए होंगे. और ये तय था कि उसमें से एक भी हम जो उसके स्पॉट थे उसमें से एक भी हम छुटा नहीं पाए. तो उस दिन हमें पता लगा कि गुरुजी सेवा जो हमें बख्शते हैं वो हमारे जो दाग, हमारे जो ऐसे कर्म हैं जो हमसे नहीं कट सकते, उसको कराने के लिए करते हैं. हमारे कर्म इतने गहरे हैं, इतने गाढ़े हैं कि हमारी हजार कोशिश करने के बाद भी वो हमसे नहीं छूट सकते. ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, गुरुजी की कृपा है कि वो उनकी कृपा से वो सत्संग सेवा करा के और हमारे ही दागों को छुटाते हैं. एट लास्ट उस पर मशीन ही चली, लेकिन गुरुजी ने ये बिल्कुल बता दिया कि सेवा वो गुरुजी क्यों बख्शते हैं और सेवा का पर्पस क्या है जो हमें देते हैं. सेवा की गुरुजी को जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है. हमारे कर्म काटने इसलिए गुरुजी हमें सेवा बख्शते हैं और साथ में खड़े होकर वो कराते भी. ये भी तय है क्योंकि हमारी इतनी भी औकात नहीं है कि हम वो जो गुरुजी सेवा बख्शते हैं उसको अपने दम पे कर लें. अनलेस अल्टी गुरुजी हमारे साथ ना हो, गुरुजी का गुरुजी सेवा ना कराएं, तब तक हम उसको भी नहीं कर सकते ऐसी. क्योंकि गुरुजी के को कभी मैंने हिम्मत नहीं हुई कभी कि गुरुजी को चरण स्पर्श करूं, छू सकूं. तो गुरुजी के उसमें जैसे कोई संगत छूती थी तो उनके हाथों में फ्रेग्रेंस चली जाती थी. तो कई संगत बताती थी कि गुरुजी के वो चरण छुए, उनके हाथों में फ्रेग्रेंस आ गई. तो कई दिन तक वो सीधा हाथ उन्होंने धोया ही नहीं, उन्होंने पानी ही नहीं लगाया उस पे, और कई कई दिन तक हफ्ते तक वो उनके फ्रेग्रेंस गुरुजी की नहीं जाया करती. तो वही फ्रेग्रेंस जो है ना, किशोरी अंकल गुरुजी की सेवा में हुआ करते थे तो उनसे भी वही फ्रेग्रेंस आती थी. और ऐसे संगत के सत्संग भी सुने हुए हैं, तो गुरुजी जैसे किसी को सेवा बख्श दी कि किशोरी अंकल को कहीं छोड़ के आना है, और किशोरी अंकल उनकी गाड़ी में गए और वो छोड़ के आए. तो वो तो किशोरी अंकल को तो उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन अगले दिन जब उन्होंने सुबह उस अपनी गाड़ी को खोला तो उसके अंदर से गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ रही थी. और वो बता रहे हैं कि उसके अंदर जो है ना, उनको मतलब उनकी हिम्मत ना हो कि उसमें वो बैठे, और कई दिन तक उसमें ना कपड़ा मारा ना कुछ किया कि ये फ्रेग्रेंस ना चली जाए. तो फ्रेग्रेंस हम भी होते हैं. पहले यही होता था कि कहीं भी जा रहे हैं, कूड़े का ट्रक जा रहा है और उसके साथ में हमें जो है ना वो फ्रेग्रेंस आनी शुरू होगी. कहीं ऐसा बहुत था कि गुरुजी अपनी प्रेजेंस उस फ्रेग्रेंस के थ्रू भी कराते थे. और कहीं भी संगत को कभी भी अभी भी आ जाती है. बड़े मंदिर में कई दफे ऐसे चांसेस हुए हैं कि वो फ्रेग्रेंस ली है गुरुजी की. तो मेरी कभी, लेकिन उनके छूने की कभी हिम्मत नहीं हुई, तो फ्रेग्रेंस कभी मेरे तक तो कभी नहीं आई. तो लेकिन जो किशोरी अंकल थे उनसे भी वही फ्रेग्रेंस आती थी. तो उन्होंने उनको मैं उनको छू लिया करते थे, जैसे उनके हाथ हुए वो गले लगा लेते थे कभी कभी. तो ये क्या करते थे, तो ऐसे हम जो है ना सेवा कर रहे थे. ये पेड़ और गमलों की सेवा चल रही थी. तो किशोरी अंकल आए एक दिन, आए जैसे हम सेवा कर रहे थे, वो आए बैठे, हमने मुलाकात हुई, वो चले गए. दूसरे दिन आए, फिर तीसरे दिन आए. तो तीसरे दिन जब आए तो ऐसी मैं सेवा करते करते, जब वो कॉफी स्टैंड पे बैठे हुए थे, तो मैं जब सेवा करते हुए उधर आया तो मैंने मेरा मन हुआ वही कि इनको कम से कम इनको तो छू सकते हैं, गुरुजी को ना सही तो इनको छुआ जा सकता है. तो मैं जब उनके पास बैठा हुआ, तो उस समय तक तो जय गुरुजी नहीं था, उसके बाद ये चला है वो. तो मैंने उनको नमस्ते किया और उसके बाद में जब उनके पास बैठा तो बातचीत हुई. तो बातचीत में बात करते करते मैंने उनको बताया कि भाई ऐसे 74 से मैं रामलीला में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और हनुमान जी के रोल बहुत किए हैं. तो मैं उनको ये बता ही रहा था, तभी उन्होंने माथे में हाथ मारा कि हो, कह रहे गुरुजी आपके बारे में पूछ रहे थे. मैंने क्या हो अंकल, कह रहा परसों मेरे को भेजा था एम्पायर स्टेट से गुरुजी ने कि बड़े मंदिर जाओ और जाके देख कौन कौन संगत आई है और क्या सेवा कर रही. तो मैंने जाके जब यहां से गया था, मैं दोपहर को जाके फिर गुरुजी के पास गया, तो गुरुजी ने पूछा था कि कौन कौन मिला. तो मैंने बताया कि गुरुजी ऐसे से वो संगत थी और गुरुजी वो तीन बंदर थे. तो गुरुजी के तीन बंदर थे, तो उसमें एक मनोज अंकल है जिनके थ्रू गुरुजी ने मेरे को बुलाया था, एक कमल अंकल है और एक विनोद अंकल है. तीन वो थे जो गुरुजी के तीन बंदर के उसमें बोलते थे. तो कह रहे मैंने जब गुरुजी को बोला कि वो गुरुजी वो तीन बंदर भी थे, तो गुरुजी ने बोला अच्छा हनुमान जी से मिले. तो कह रहे मेरी समझ में नहीं आया किसके बारे में पूछ रहे हैं.
और कह रहे कल भी जब मैं गया था तो जाके मैंने बताया कि भी ये ऐसे है और ये सेवा कर रहे थे, तो जब मेरा मैंने वो जिक्र किया कि वो गुरुजी तीन बंदर थे, तो उन्होंने गुरुजी ने फिर बोला कि हनुमान जी से मिले। और कह रहे आज जब आपसे बात हुई है, आपने ये बताया कि 74 से आप रामलीला कर रहे हो, आपने हनुमान जी का मतलब काफी रोल किए हैं उसमें, तो तब मेरे को समझ में आया कि गुरुजी बार बार दो दिन से आपके बारे में पूछ रहे हैं कि हनुमान जी से मिले। तो जो दो चार संगत दस संगत थी उनको तो किसी ना किसी को मनोज को पता था, बाकी ज्यादा कोई इतना नहीं पता था, लेकिन गुरुजी को ये क्योंकि वो तो जानी जहान है उनको पता था, तो उन्होंने अपनी तरफ से एक वो टैग दे दिया कि जो हनुमान जी का रोल गुरुजी मतलब 74 से रामलीला में जो करवाते आ रहे थे, वो गुरुजी ने वो एक टैग भी दे दिया कि वो भी जानते थे कि क्यों मेरे को वो रोल मतलब गुरुजी ने बख्शा था। क्योंकि मैं आपको बता दूं इसके पीछे करीब 14 साल पहले गुरुजी के यहाँ 2006 में आया, उससे 14 साल पहले मेरे को जो है ना गुरुजी का मैसेज आया था। मैं पहले भी शायद सत्संग में शेयर कर चुका हूँ कि एक मेरा दोस्त था वो बालाजी के भगत के पास मैं उनको लेके गया था, उसने वो ताबीज गंडा बना के दिया था, उसका जो है प्राइवेट में नौकरी लगी, बाद में सरकारी मिली, वो सब कुछ था। मैं उनके पास जाने लगा तो एक दिन बैठे ही ऐसे विचार मेरे मन में आया, चाय पी रहे थे, कि मैंने कि बालाजी से बड़ी भी कोई शक्ति है जिसके बारे में वो तीन के बारे में फेल हुए। तो उन्होंने जब मैं 2-2.5 महीने बाद गया था उनके यहाँ, तो मैंने देखा कि उनकी जो अखंड ज्योत थी और जितने भी देवी देवता थे उनके सबके कपाट बंद, अखंड ज्योत गायब, वो सब कुछ गायब था। तो मैंने उन अंकल से पूछा था, मैंने कि अंकल सबको नमस्ते कर ली, तो उन्होंने मेरे को बताया कि हाँ मैं जो है ना साकार से निराकार में चला गया हूं। तो तब उन्होंने बताया था कि SSS GK में गुरु जी हैं, वो बैठते हैं, वो गद्दी पे बैठते हैं और नीचे कालीन बिछा, बाकी संगत जो है नीचे बैठती है और ध्यान लगाती है, और आप नहाए हो नहीं नहाए हो आपका मुंह सच्चा है झूठा कोई मायने नहीं रखता, आपका मन साफ होना चाहिए, आपका दिल साफ होना चाहिए और वहां ध्यान लगाते हैं। तो उन्होंने वो भी चीज बताई थी कि तीन के बारे में क्यों बालाजी फेल होते हैं, कि उनसे हर जो जितने भी अवतार हुए उनके अवतार लेने के कोई खास पर्पज है, एक लक्ष्य को एक उद्देश्य को लेके आए वो, और उसकी पूर्ति के बाद उनका समापन हो जाता है। लेकिन वो सब अपने आप में संपूर्ण है, लेकिन हर एक की अपनी अपनी पावर्स है, तो वो एक दूसरे की पावर में एंक्रोचमेंट नहीं करते। अगर वो उनको कोई चीज चाहिए जो दूसरे के हाथ है तो उससे लेके देते। तो यही था बालाजी के, बालाजी के सामने किसी ने कोई अपने आप को सरेंडर कर दिया बालाजी के सामने, उन्होंने तो वचन भी दे दिया, लेकिन वचन देने के बाद जिसके हाथ में वो चीज है उससे पूछा तो उसने बताया कि ये पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने बताया मैंने वचन दे दिया, तो कहने लगे कि बालाजी, वो बोला कि वचन आपने दिया तो आप अपने वचन को आप जानो, वचन देने से पहले अगर मेरे से बात करते तो मैं बताता इसका वाया मीडिया या हो सकता है या कैसे हो सकता है नहीं हो सकता या जो भी कुछ है, तो वो मैं करके चलाया। तो उन्होंने मेरे को बताया, उस खुमारी में मेरे को लगा कि मैं कह रहा था कि तीन के बारे में बालाजी इसलिए फेल हुए कि इनसे बड़ी भी कोई शक्ति है, और ये प्रूव हो गया। यानी कि हम जो उस दिन जो बातचीत कर रहे थे, तर्क वितर्क हमारा था, उसमें मेरी जीत हो गई, और मेरी लाइफ का वो मतलब वो था कि मैं अपने आप को जीत के खुमारी में मैंने वो 14 साल निकाल ली। क्योंकि अगर मैं अगला सवाल मेरा था जवाब उन अंकल के थ्रू मेरे को मिला, लेकिन मैंने अगला एक कदम एक उनसे रिक्वेस्ट ही नहीं की कि जहां आप गए हो उन गुरुजी महाराज के मेरे को भी लेके चलो, क्योंकि मेरे सवाल का जवाब तो उनके थ्रू मिला है, जो इतने सालों से बालाजी की सेवा कर रहे थे, लोगों के साथ जो है ना वो उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे थे, और वो एक ही झटके में उन्होंने सबसे आगे निकल के वो कह रहे निराकार में चला गया हूँ और मैं ऐसे गुरु जी है वहां जाके बैठता हूँ। तो मैंने अपना अगला रिक्वेस्ट ही उनसे नहीं की, और मैं मुझे लगा मेरे को जीत हुई है, लेकिन मेरी लाइफ में वो था कि जब तक हम इस लायक ना हो जाएं कि गुरु जी अपने दर पे बुला पाए, तब तक जो है ना हम ऐसे ही भटकते रहते हैं। लेकिन जब से गुरु जी ने अपने बारे में मेरे को मैसेज दिया उनके थ्रू अंकल के थ्रू, मेरी लाइफ में जो मेरी समस्याएं थी हर कदम पे गुरु जी मेरे साथ रहे, और उसका मैं एक जीता जागता जो मैं खुद उदाहरण हूं। क्योंकि उसके बाद 95 के अंदर मैं अपने जो पिताजी वाला जो मकान था दिल्ली में, वहां से मैं सरकारी कॉलोनी में शिफ्ट किया, और 95 में मैंने एक दिन मैं छुट्टी पे था, तो आंटी स्कूल में वहां स्कूल में जाया करती थी टीचिंग का जॉब करने, तो उस दिन सुबह वो मेरे को खाना देके जा रही थी, तो खाना मेरे को दिया तो मेरे हाथ में थाली थी और थाली में दही की जो कटोरी थी वो अचानक पता नहीं एकदम से नीचे गिरी और उल्टी हो गई। तो दही जब नीचे गिरी
तो आंटी स्कूल जा रही थी, जाते जाते मेरे को बोलेगी कि जब तक मैं ना आऊं तब तक आप कहीं जाना नहीं, मतलब घर से जाना नहीं, मैं आऊंगी स्कूल से, उसके बाद आप कहीं निकलना। तो मुझे लगा कि मैंने कि ये अभी 7:30 बजे हैं, ये निकल के जा रही है और 1 बजे के करीब इन्होंने आना है। तो एक छोटा सा कोई काम था, उसको काम के लिए मैंने कि इतने वो आएंगी, उससे पहले तो मैं आ जाऊंगा वो काम करके। और हुआ भी ये, मैं घर से निकला, निकल के मैं बाई बस गया और वापिस मैं बस से आ रहा था, तो अपने स्टैंड पे जहां उतरना था मैं अकेली सवारी था, प्राइवेट बस थी, तो उसने प्रॉपर रोकी नहीं, हल्के से चला रहा था वो। और मैं जैसे ही उतरने के लिए मैं नीचे लेफ्ट पाँव में नीचे उतारा मैंने, तो मेरा क्या हुआ कि राइट पाँव का जो पैंट है वो किसी उसमें कील में हुक हो गई और मेरा सारा शरीर नीचे और मेरी एक टांग जो है वो ऊपर थी, और झटके से वो कील से तो निकल गई मैं, लेकिन मैं गाड़ी के नीचे चला गया, बस के नीचे चला गया। और मैंने अपने सिर पे दोनों पिछले जो दो टायर होते हैं वो अपने सिर पे आते हुए देखे मैंने, और मुझे नहीं पता मैं कैसे उसमें से पूरा 360 या 720 कैसे पलटी मार के अंदर से वहां से निकला, नीचे में निकल गया, बस अपने फ्लो में निकल गई चल के। और मैं जब बाहर आया तो मैंने देखा कि मेरे जो है ना उसमें राइट हैंड थोड़ा हैवीपन लगा मेरे को, तो मैं इसको हाथ को ऐसे लेके, सर्दियों के दिन थे तो मैं हाथ को इसको लेके घर चला गया। घर जाके मैं बैठ गया, तो थोड़ी देर बाद जो ना आंटी आई तो उन्होंने बोला कि क्या हुआ, तो मैंने बताया कि ऐसे हो गया। वो कह लगे मेरे को सुबह ही पता लग रहा था जब दही गिरी थी कि कोई ना कोई अशुभ घटना होने वाली है, और मैं तुम्हें मना कर गई थी स्पेशली कि तुम जो है घर से तब तक मत जाना जब तक मैं ना हूं, और तुम फिर भी मेरी बात नहीं माने और तुम चले गए। तो हाथ लगा तो मैंने अपने छोटे भाई को फोन किया और उसको सफदरजंग हॉस्पिटल बुला लिया। तो मैं बाई बस सफदरजंग हॉस्पिटल गया, वहां जाके डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने बताया कि जी एक्सरे वगैरह कराया था कि इसकी रेडियल हेड टूट गई है, एक गुल्ली सी होती है उसमें जो कोनी के अंदर होती है, जो हम जब लिफ्ट करते हैं हाथ से तो वो उसमें स्ट्रेंथ देती है, वो अटकती है उसमें। तो रात को करीब उसने पहले डॉक्टर ने बोला कि ना जी क्या कराना है, इसका प्लास्टर कराना है या ऑपरेशन कराना है। मैंने कहा जी आप बताओ, आप डॉक्टर है, मुझे तो नहीं पता इसके लिए क्या है, जो मेरे हाथ के लिए ठीक हो वो आप करो। तो उसने बोला जी ये जो जॉइंट वाली है वो टूट गई है हड्डी, अगर ये जुड़ भी गई तो आपका ये मूवमेंट जो है ना हाथ का मूवमेंट खत्म हो जाएगा, और 6 महीने बाद भी आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो मैंने उनको बोला मैं 6 महीने क्यों भुगतूं इस चीज को, अभी तो ये चोट लगी है, लगी में तो मेरा आप ऑपरेशन कर दो। उसने बोला कि ये कुछ सामान जो है ना यहाँ हॉस्पिटल में नहीं है, आपको लाना पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप लिख के दे दो। मैंने छोटे भाई को बोला कि भाई जाके ले। उन्होंने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करने के बाद में जब ऑपरेशन पूरा हुआ तो मेरे से बोला कि हाँ जी ऑपरेशन होगा। बोला हाँ जी पता है। कह जी क्या पता है? मैंने कहा जी दर्द को छोड़ के सब कुछ पता है, क्योंकि उन्होंने आंख के ऊपर जो है वो हरी वो पट्टी डाली थी, तो कंधे से इसको हाथ को सुन किया था, पूरा बेहोश नहीं किया था मेरे को, तो उसके नीचे से मेरे को दिखाई दे रहा था। तो वो क्या कर रहे हैं, वो काटना घिसना वो सब कुछ जो खोलना सब कुछ दिख रहा था। तो मैंने उनको बोला जी दर्द के अलावा सब कुछ पता है मेरे को। तो जब ये हाथ का हो गया तो डॉक्टर ने मेरे को बाद में जब बताया कि जी आप जो है ना इसमें ऐसे सीधा हाथ करके इसमें वजन तो लटका सकते हो, लेकिन आप उसको लिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि लिफ्ट करने के लिए वो स्ट्रेंथ वो होती है जो आपका 1.5 इंच का जो वो पीस है जो इसमें से निकाल दिया जो टूट गया था, तो इसलिए आप इसको इसकी जो ना लिफ्ट नहीं कर सकते किसी भी वजन को। बात होगी तो उस साल उसमें रामलीला में नहीं जा पाया इस हाथ की वजह से। तो जब नेक्स्ट ईयर जब ये बात हुई तो वो बच्चे कहने लगे कि अंकल हम आपको लेने आ रहे हैं और आप आ जाओ। मैंने कि नहीं कोई बात नहीं आ जाएंगे। फिर उसके बाद वहां जब गए तो हनुमान जी का रोल एक केवट का रोल, दो रोल ऐसे थे कि जब तक मेरी तरफ से ना हो या मेरी अवेलेबिलिटी ना हो तब तक वो रोल जो है ना सिर्फ खाली रहते थे मेरे उसमें, कि मैं जब तक मैं अगर अवेलेबल हूं तो मैं ही करूंगा, दूसरा कोई का नाम ही नहीं लिखते थे वो। तो जब वो उसमें हुआ तो हनुमान जी का रोल आया, तो उन्होंने बोला कि भाई आप ऐसे से जो ना उसका रोल कर लो हनुमान जी का। अब मेरे दिमाग में था, डॉक्टर ने बोला था कि भाई ये हाथ में लिफ्ट करने का जो मामला वो नहीं हो पाएगा, आप वजन लटका सकते हो इसमें। तो मैंने उनको बोला रोल तो मैं कर लूंगा, लेकिन एक तो जो हनुमान जी का गदा घुमाने का वो है कि गदा घूमता है तो वो मूवमेंट होती है, ये इसकी कलाई की भी होती है और कोहनी की भी होती है, और काफी एक्टिव रोल है वो। तो मैंने कि अगर हाथ में ये जो प्रॉब्लम है अगर ये डेवलप होगी
तो बीच में हनुमान जी चेंज करने पड़ेंगे किसी ना किसी और को, अगर हाथ में कोई परेशानी होगी मेरे को। और मैंने कि दूसरा एक था कि लक्ष्मण शक्ति जब लगती उसमें लगती है जिस दिन, तो उस दिन लक्ष्मण जी को हनुमान जी उठा के और हाथ में होल्ड करके जब तक सीन से बाहर रहते हैं, जब तक रामचंद्र जी अपने डायलॉग नहीं बोल लेते, और रामचंद्र जी के डायलॉग खत्म होते तब वो उसमें स्टेज पे चक्कर लगा के और फिर वो लक्ष्मण जी को उनके सामने लिटाते हैं। तो मैंने कहा कि क्योंकि जो पब्लिक है पहले जैसे हमने रोल किया उससे अच्छा रोल करते तब वो बोलते हैं कि रोल हुआ, अदरवाइज जो कंपेयर करते हैं कि पहले जो रोल किया है उससे बेटर हुआ है या कम किया है। तो मैंने कहा कि दो मेरी प्रॉब्लम है, एक तो गदा जब चलेगी तब उससे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, और एक दूसरा वो जो रोल मैं करता हूँ और उसमें ये जो लक्ष्मण जी को हाथ में लेके और होल्ड करके रखता हूँ और इस हाथ ने मेरा साथ नहीं दिया तो रोल खराब हो जाए। तो कह लगे कोई बात नहीं, उसका फिर कुछ अल्टरनेट देखेंगे, वो सीन पर्दा ड्रॉप करके कुछ ना कुछ करेंगे उसका मामला। लेकिन ये वो कृपा रही कि वो रोल जैसे पहले गदा घूमती थी वैसे हाथ का मूवमेंट रहा और कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं, और जैसे ही वो रोल होता था लक्ष्मण शक्ति वाला जो रोल होता था जैसे पहले किया करता था वैसे ही वो रोल हुआ, और इस हाथ ने पूरा वो किया, जबकि मेडिकल एडवाइस के हिसाब से इस हाथ को होल्ड ये होल्ड नहीं कर सकता था, लेकिन उसके बावजूद भी इसने वैसे ही काम किया। और उस दिन से लेके और आज तक इस हाथ ने कभी धोखा नहीं दिया, कभी ऐसा नहीं लगा कि मैंने कोई चीज वजन उठाई हो और उसको होल्ड किया और इसने इसने होल्ड करने से मना कर दिया। तो मैं ये कहता हूँ साक्षात तो 2006 में मैंने जो है ना गुरुजी को मत्था टेका, लेकिन 95 में 96 की ये मैं बात बता रहा हूँ, 95 में हुआ, 96 में जो रोल किया था, तो तब भी मैंने अभी पलट के अपनी लाइफ को देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जब से उन अंकल ने मेरे को गुरुजी के बारे में बताया था, गुरुजी की जो मेरे साथ जो जर्नी है, मेरी जो जर्नी गुरुजी के साथ है वो तभी से शुरू हो गई, और ये उन्हीं की कृपा है कि ऐसे उसमें हाथ में वो चीज गायब होने के बाद भी जो है ना मेरा हाथ प्रॉपर काम करता है, और तब भी करता था और आज भी करता है। ऐसी आंटी ने, मैंने पहले सत्संग सुनाया था कि आंटी ने बोला था एक बार सत्संग में जाने के लिए कि मैं आपके साथ जाऊं तो घर का काम कौन करेगा, तो मैंने बोला था कि एक हम तो बैलगाड़ी के चलने नीचे चलने वाले वो कुत्ते हैं जो इस वहम में बैलगाड़ी के नीचे भूखे प्यासे मर खप गए लेकिन बाहर नहीं निकल रहे, उनको एक वहम है कि ये बैलगाड़ी मेरे चलने से चलाने से चल गई, तो उनकी मेमोरी लॉस हो गया था। उनका जब इलाज चल रहा था तो उसी दौरान में हमें डुगरी जाने का था, जो साथ में जो संगत थी, तो हम पहले होता था कि जब भी कभी ऐसा मन करता था तो हम जो है डुगरी एक गाड़ी दो गाड़ी चार गाड़ी लेके हम डुगरी चले जाया करते। तो उस टाइम समस्या ये थी कि मेरी आंटी जो है वो सिवाय मेरे किसी और के साथ कंफर्टेबल नहीं रहती थी, तो मेरे को बोला वो जो तीन बंदर थे वो कमल अंकल, और उन्होंने बोला कि अंकल ऐसे से वहां डुगरी चलेंगे, क्योंकि होली जो है ना होली जिस दिन खेलने वाली होली होती है वो पूर्णमासी का दिन होता है, खेलने वाली होली होती है, तो उसमें जाना था। तो वो कहने के हमने तो होली मनानी नहीं क्योंकि पहले मंदिर में तो अंदर अलाउड नहीं है, किसी को तिलक लगा के भी जाना भी अलाउड नहीं है, तो कह रहे हमने तो गुरुजी के साथ होली खेलनी है, तो आप जो है ना हम प्रोग्राम बना रहे कि वहां चले गुरुजी के डुगरी जाके मत्था टेके। तो मैंने कहा भी मैं तो जब तक आंटी नहीं अलाउ करेगी, जब तक वो नहीं कहेगी तब तक तो नहीं होगा, तो मैंने आंटी से बोला, तो आंटी कह लेंगे कि भी नहीं मैं गाँव में तो बड़ी गंदे तरीके से होली खेलते हैं, कोई नाली की कीचड़ से खेलता है, कोई गोबर से खेलता है, और मैंने होली नहीं खेली, मेरे को ठीक अच्छा नहीं। तो मैंने कहा हम तो होली खेलने तो नहीं जा रहे, होली खेलनी होती तो हम यही रहते, हम तो जा ही रहे हैं कि होली वाला वो जो टाइम है, जो टाइम यहाँ वो करना है हम उसके लिए कि गुरु जी के यहाँ मत्था टेके। तो एट लास्ट आंटी ने मान गई, साथ चलने के लिए मान गई। तो हम जब गए थे तो सुबह यहाँ से 4 बजे निकलने का प्रोग्राम था, मीटिंग पॉइंट हो, यहाँ से हम निकले, यहाँ से हम पूरा रास्ता सफर तय करके और डुगरी पहुंचे, यहां दिल्ली से लेके और डुगरी तक एक भी कोई बंदा हमें होली खेलता नहीं मिला, नहीं हमें रूट पे कहीं नहीं दिखाई दिया। जब गांव में गए तो गांव में भी हमें कोई नहीं दिखाई दिया होली खेलता, जिस टाइम हम पहुंचे थे 12-1 बजे के आसपास जब पहुंचे थे तो वहां भी कोई होली खेलता नहीं दिखाई दिया, और जाने से लेके और वापिस आने तक हमें कोई ना किसी ने हमारे साथ होली खेली ना कोई हमें होली खेलता मिला, क्योंकि आंटी ने यही बोला था कि वहां बहुत गंदी होली खेलते हैं और मुझे होली पसंद नहीं है,
और ये उनका एक बात थी कि यहाँ से जाने से लेकर वापिस आने तक हमें हमारे साथ किसी ने होली नहीं खेली, ना हमें कोई होली खेल पाती। तो ये इतनी छोटी छोटी हमारी जो अरदासें हैं, जो हमारे अंदर इस तरह की कोई चीज होती है कि ऐसी वजह जिसकी वजह से हम कुछ ना कर पाने की स्थिति में होते हैं, वो चीज भी गुरुजी एकदम से मतलब क्लियर कर देते। ऐसी 2009 में एक बार हमारा जो पुराना मकान था वो मकान काफी नीचे चला गया था और बहुत मतलब जर्जर हालत में था, मतलब बहुत अच्छी उसमें नहीं था, बरसात वगैरह में पानी भर जाता था। तो पिताजी ने कभी रिटायरमेंट के बाद सोचा था कि उसको मकान को बनवाने का, तो लेकिन वो पैसा जो है पिताजी के रिटायरमेंट का, वो तीन भाई थे उनको फैक्ट्री खुलवाने के लिए दिला दिया था मैंने। तो उसके बाद मदर को किसी ने जो है ना वो गए किसी पंडित के पास में और उन्होंने पंडित से उन्हें बताया कि ये बहुत अच्छा मुहूर्त है, अगर इस मुहूर्त में अगर मकान स्टार्ट करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मदर ने ना मेरे से बात की ना छोटे भाई से, पिताजी पहले ऑलरेडी जो है ना वो एक्सपायर हो गए थे। तो उन्होंने क्या किया कि मजदूर को बुलवा के और पिताजी वाला कमरा तोड़ना शुरू कर दिया। दो दिन बाद मेरे पास छोटे भाई का फोन आता है जो दिल्ली में था, वो कहने लगा भाई साहब आपको पता है कि अम्मा ने जो है ना वो मकान तोड़वाना शुरू कर दिया। मैंने कि मेरे को तो नहीं पता। मैंने कि ऐसे कैसे तोड़वा, कोई अरेंजमेंट नहीं, कुछ नहीं, मतलब पैसे को कोई जुगाड़ नहीं, कहीं कुछ नहीं है, हम कुछ और सोच के बैठे हैं कि कुछ क्या करना है। क्योंकि हम उससे पहले दो तीन जैसे ठेकेदार से बात की थी, उन्होंने बताया जी आपकी गली छोटी है, हार्डली 10 फीट की है, जिसमें से एक एक डेढ़ फीट जो है दोनों तरफ से वो निकाल देते हैं, नाली निकाल देते हैं, तो बहुत कम जगह मिलती है। और आजकल बच्चों ये जो है ना चार पहियों की गाड़ी का शौक है बच्चों को, तो कम से कम दरवाजे तक चार पहियों की गाड़ी आए, तो आप इसमें पैसा मत लगाओ, कहीं बाहर चाहे इससे भी आधा मतलब 100 गज की जगह 50 गज में ही बना लो तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। तो हम नहीं चाह रहे थे कि वो मकान को बनवाया जाए, लेकिन मदर ने वो तोड़वाना शुरू कर दिया। मैं और छोटा भाई हम वहां पहुंचे मदर के पास में, हम मदर से पूछा अम्मा ये क्या करा दिया। वो कहने के भैया ऐसे से मैं पंडित जी के पास गई थी तो पंडित जी ने बताया कि ये बहुत अच्छा मुहूर्त है और इस पे मकान शुरू करोगे तो बड़ा शुभ रहेगा। तो मैंने की लेकिन पंडित जी से ये तो पूछना था कि इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, वो अरेंजमेंट तो पैसे का भी अरेंजमेंट है। तो जब ज्यादा हमने बात की तो मदर ने एक ही बात बोली कि भैया ये मैंने तोड़वा दिया और अब तुम्हारे बस की है तो बनवा लो, और नहीं तो इसको ऐसे ही पड़े रहने दो टूटा हुआ। तो अब हम चार पांच भाई हैं तो हमने आपस में बात की, मैंने कहा भाई अब हमारी तो कोई इज्जत नहीं है, तो पिताजी की इज्जत की बात है कि उनका मकान था जैसा पड़ा था कोई बात नहीं, अब टूटने के बाद भी अगर पड़ा रहेगा तो उनकी इज्जत पे बट्टे वाली बात है। तो हमने तय किया कोई बात नहीं, अम्मा ने जो किया ठीक है, अम्मा का आदेश फरमाते हैं तो इसको बनवाते हैं। उस समय मेरी बड़ी बिटिया की हम शादी का मैं प्लान कर रहा था, तो जब मकान और शादी में से जब प्रायोरिटी वाली बात होती है तो मेन होता है कि पहले शादी से निपटा जाए फिर मकान वगैरह की बाद में बात की जाए। लेकिन ये गुरुजी को ये एक कप था कि उस मकान की जरूरत उस शादी से पहले थी, इसलिए गुरुजी ने वो किया कि हाथ में कुछ नहीं था, हालात इस लायक नहीं थे कि मकान को स्टार्ट किया जाए उसमें किया जाए, लेकिन वो कहते हैं कि गुरुजी हर जरूरत को जो है ना वो के लिए जो है हमारे साथ खड़े होते हैं और कोई ऐसी जरूरत नहीं है जिसको वो अधूरा छोड़ दे। तो वो बात हुई चलते चलते हमारा वो मकान बनना शुरू हुआ 2009 में मकान बनना शुरू हुआ। 2010 तक जो है स्टार्टिंग में बिटिया की शादी भी तय होगी, मतलब उसमें नीचे दो हॉल बना दिए। तो जब शादी तय होगी मार्च में 10 मार्च 2010 को गुरुजी ने जो है बड़ी बिटिया की शादी कराई, तो उस शादी के टाइम पे जितने भी रिश्तेदार वगैरह है जो मकान गुरुजी ने बनवाया था उस मकान में नीचे दो हॉल 50-50 गज के दो पोर्शन के हॉल बनाए थे, तो उसी में फेरे वगैरह सब कुछ उसमें करा दिए। अदरवाइज गांव में जो जहां मकान है वहां ऐसी पोजीशन थी कि किसी और की सेवाएं लेनी पड़ती और हर एक के पास इतना वो नहीं था कि किसी को कहीं लिटाना पड़ता किसी को कहीं बैठाना पड़ता, पर गुरुजी ने हमारे ऊपर इतनी बड़ी छत दे दी कि सारे जो हमारे आने जाने वाले थे वो सब उसी में अकोमोडेट हो गए और सारे काम उसी में हो गए। उसका टोटल आज तक नहीं किया, बिटिया की शादी का टोटल आज तक नहीं किया। उसी दौरान में और बिटिया की शादी का मैं एक सत्संग में बताता हूँ कि जब बिटिया की शादी की बात हुई तो वहां जहां डीजे लगता है तो मैंने कहा कि मैं डीजे नहीं लगवाऊंगा, क्योंकि मेरे को डीजे इसलिए पसंद नहीं है कि डीजे लगने के बाद में वहां जो लोग रहते हैं वो एक लाउड वॉइस में बात करनी होती है,
आपस में जो बात कर रहे हो तो उसमें उनको डिस्टर्बेंस होता है। तो मैंने कहा भी मैंने मेरे को डीजे वीजे नहीं लगना, तो जहां डीजे का जगह थी वहां मैंने गुरु जी का दरबार, मेरे मन में आया कि गुरु जी का दरबार लगाता हूँ, गुरु जी की वहां वो जोत जलाई और मैंने वो दरबार बनाया। तो जो संगत गुरु जी की वहां आई थी, तो जिनको पता था गुरु जी के बारे में, क्योंकि मेरे चाचा जी थे वो उनको देख के कहने लगे गुरु जी को कि ये कौन है। मैंने कहा गुरु जी है, कह रहे भाई ये इन्होंने कौन सा सब्जेक्ट तेरे को पढ़ाया, क्योंकि वो उस टाइम के पढ़े हुए थे कि जो मास्टर टीचर उनको सबको गुरुजी बोलते थे। मैंने कि ये वो वाले गुरुजी नहीं है जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ये तो सृष्टि को बनाते हैं, सृष्टि को चलाते हैं। तो क्योंकि उनकी चाचा जी की तो उनकी समझ में आना नहीं था, ना मेरे को समझाने का था। तो संगत थी, उन्होंने वो किया वहां बैठे भी, संगत जो थी तो जल रही थी। जब उसके बाद मैं वो शादी निमट गई, शादी निमटने के बाद मैं बड़े मंदिर में वहां सेवा में गया। सेवा में भी जब गया तो जो संगत वहां गई थी तो उन्होंने मेरे को बोला कि अंकल बड़ा अच्छा लगा कि वो बिटिया की शादी में जो ना गुरु जी का दरबार लगा हुआ था और शब्द चल रहे थे। एक कमी जो मेरे से रही थी कि गुरु जी का दरबार बनाया, जोत भी हो गई, लेकिन वहां शब्द नहीं चलवाए थे क्योंकि उसका प्रोविजन ही नहीं था। तो ये गुरु जी की मेहर है कि गुरु जी ने वहां संगत को शब्द सुनवाए। अब मैं बोल रहा हूँ अपनी तरफ से कि मैंने तो वहां कोई शब्द का कोई प्रोविजन ही नहीं था, और वो कह रहे हैं कि उन्होंने शब्द सुने, तो ये गुरुजी की अपनी एक कृपा थी। उसी से जुड़ा एक और है कि इसी पीरियड में एक मैं ऑफिस में था तो मेरे को पता लगा कि हमारे किसी रिलेटिव की डेथ हुई है, और जमुना बाजार पे जो वो है शमशान घाट है वहां उनकी उसमें क्रिया में शामिल होने में गया। तो जैसे ही मैं स्कूटर पे उतर के गया तो मेरे चाचा जी जो रियल चाचा जी है वो मेरे को मिले। तो मिलते ही मेरे से कहने के बिलायती कैसे आया है, मैंने कहा स्कूटर से। तो वो बोले कहने के थानेदार तो जो है ना गाड़ियों में घूमते हैं, तो अभी भी स्कूटर पे घूमता है। तो मैंने उनको हंस के टाल दिया, मैंने कहा चाचा जी ये 50-50 लाख की गाड़ियां जो है ना मेरे लिए फ्री चल रही है, मतलब कोई टिकट नहीं लेना पड़ता मेरे को, और अभी भी मैं स्कूटर मेंटेन कर रहा हूं, तो मैं तो लग्जरी लाइफ जी रहा हूं। मैंने ये बोल दिया, लेकिन ये बात मेरे जो गुरुजी हैं उनको इस बात का लगा कि उन्होंने मेरे को जो टोंड कसा था, मेरे को जो व्यंग किया था, वो उनको ठीक नहीं लगा। उसी दौरान में मेरे एक हाईकोर्ट का एक केस था जो मेरे फेवर में हो गया, तो मुझे लगा उसमें से कुछ 10-20-30 कुछ ऐसा कुछ पैसा मिलेगा। इधर मेरी बीच वाली बिटिया थी वो एक उसने सर्विस ज्वाइन की थी, तो जो उसने सर्विस ज्वाइन की थी तो मुझे लगा चलो घर में ऐसे बैठे थे, मैंने कहा ऐसे से उससे कुछ पैसा मिलेगा तो मैं सोचता हूँ कुछ लोन वगैरह लेके और मैं एक गाड़ी ले लेते हैं, तो ये बच्चे अपने गाड़ी सीख लेंगे और गाड़ी ये चलाना शुरू कर देंगे, अपने जिस पोस्ट पे मतलब ये जा रहे हैं तो उस पोस्ट के हिसाब से ये अपने गाड़ी मेंटेन कर लेंगे। तो मैं ये बात हुई और स्कूटर पे मैं तो स्कूटर पे चलाना स्कूटर पे जाना था होता था, स्कूटर पे आना होता था। वो गाड़ी का ऐसा प्रोविजन हुआ कि जिस दिन वो गाड़ी लेने का था 31 नवंबर 2010 की बात है, उससे पहले वो लोन का हो गया, गाड़ी का हो गया, जो पैसे मेरे जो पैसे मिलने थे वो भी मेरे अकाउंट में आ गए। जिस उससे शोरूम से मैंने गाड़ी की बात की थी तो 21 नवंबर 2010 को गुरु नानक बर्थडे था, उस दिन गुड़गांव में एनुअल सत्संग था और मैं सुबह वहां एनुअल सत्संग में था, 11 बजे से मैं एनुअल सत्संग था। तो जोड़े घर पे मैं वहीं खड़ा हुआ था, तो तभी जो है मेरे को फोन आता है, कहने लगे जी आपकी गाड़ी तैयार है, आप कब लेने आ रहे हो। तो मेरे मुंह से निकला कि 12 बजे, और फिर बाद में मेरे दिमाग में आया कि जिससे मैं डील कर रहा हूँ, जो शोरूम में जो जिससे मैं डील कर रहा था उनका जो वो था वो सरदार जी थे, तो मुझे लगा कहीं उसको ये ना लगे कि मेरे मुंह से निकल गया 12 बजे और ये इस बात को अदरवाइज ले ले। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, जो अब मुंह से निकल गया कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद उसका फोन आता है कि नहीं जी ये 5 नंबर हैं, इसमें से आप कौन सा लेना पसंद करेंगे, आपको कौन सा नंबर मैं बुक कर दूं। जैसे उसने वो 5 नंबर मेरे को दिए तो मेरी जो नजर गई वो जिसमें लास्ट में 13 था, 13 नंबर जो था मेरे उस पर वो स्ट्राइक किया कि मेरे को ये लेना चाहिए, क्योंकि गुरु जी के यहाँ क्या है कि जो 13 नंबर है दुनिया में उसको अशुभ मानते हैं। जैसे चंडीगढ़ में बताते हैं 13 सेक्टर नहीं है, ब्रिटेन में भी कई जगह 13 मंजिल नहीं डालते हैं उसमें, ऐसी बहुत कुछ मानते हैं, लेकिन गुरुजी के यहाँ जो है जो 13 नंबर है जो सबसे शुभ है उसको ये बोलते हैं कि एक ओंकार जो 13 है वो एक ओंकार है,
जो गुरु जी के हैं। तो मेरे को स्ट्राइक किया, फिर वहां जो संगत थी वहां दो अंकल थे, मनीष दो अंकल थे और कई लोग थे। मैं जब उनको बताया मैंने कि अंकल ये ऐसे ऐसा नंबर है और गाड़ी लेके लेने जाना है, तो उन्होंने भी वो 13 नंबर जो है जिसमें लास्ट में था 7213 था, उसमें वो उन्होंने उसका उसको बोला कि अंकल ये नंबर ले लो, ये गुरु जी का जो ना बेस्ट नंबर। हम वहां गए, छोटे भाई को भेजा था गाड़ी लेने, मेरे को तो चलानी नहीं आती थी तब तक, उसको भेजा वहां से सीधा उसको बड़े मंदिर भेजा मैंने कि सीधे बड़े मंदिर जाना। तो उस दिन जो गुरु नानक बर्थडे पे जो एक जो गुरु जी के 5 जो वो है फंक्शन है उसमें से एक फंक्शन भी होता है, लेकिन सबसे हल्का फंक्शन मानते हैं इसको, संगत के हिसाब से हल्का संगत सत्संग होता है। तो वहां जैसी गाड़ी गेट पे पहुंचती है वैसे ही उसमें स्टिकर गुरुजी ब्लेसिंग्स ऑलवेज की चेन जो है वो भी मिल गया, और जो लटकाने वाले जो है वो गुरुजी के दर्शन भी मिल गए, वो सब कुछ एकदम टक टक, जैसे गुरुजी इंतजार कर रहे थे कि गाड़ी, क्योंकि उनकी ब्लेस थी उन्होंने बोला था, उस ठक ठक एकदम वो गाड़ियां मतलब गाड़ी के ऊपर सब कुछ लग गया ये। और मेरे को गाड़ी चलानी नहीं आती, बच्चों ने जो सीखने के बावजूद भी चलानी नहीं शुरू की, तो मेरे को किसी ने बोला कि ये खड़ी खड़ी गाड़ी खराब हो जाएगी। तो अब मैं एक दिन गया छोटे भाई को लेकर उसकी गाड़ी लेके, 20 मिनट निरंकारी जो वो है ग्राउंड है उसमें 20 मिनट तक 8 बनाया घुमाया फिराया फिर मैं चल दिया था। उसके बाद जब लोगों ने बताया कि भाई ये गाड़ी खड़े खड़े खराब होगी, तो मैं शनिवार में ले जाना शुरू किया और मैं बड़े मंदिर के तरफ चलता था, और बड़े मंदिर जाने के लिए मैं गुरुजी को बोलता मैं गुरुजी आ रहा हूँ आप देख लो। तो इतना होना था कि और मैं और उस घर से लेके क्वार्टर से लेके और बड़े मंदिर तक जो पैसेज है जो रास्ता है उसमें एक ड्राइवर के लिए जितनी भी चीजें जरूरी है, रेड लाइट है, ट्रैफिक जाम है, मोड़ है, गड्ढे हैं, वो सब कुछ मिलते थे। तो वो ड्राइविंग जो है वो जो सिखाने का काम जो है गुरुजी महाराज ने ही कराया, मैंने वैसे कहीं ऑफिशियली कोई नहीं किया, और ये है कि गुरुजी ने जो अपना किया। और दूसरा मैं बता रहा हूँ कि 7213 अगर उसको हिंदी में लेके चले तो 7213 यानी 7213 बेस्ट इज योर्स, जो सबसे अच्छा है वो मेरे को गुरुजी ने बख्शा। और जिन अंकल ने मेरे चाचा जी ने जो मेरे को टोंड कसा था कि बड़े जो थानेदार तो जो है ना गाड़ियों में घूमते तो स्कूटर पर जा रहा है, उनके यहाँ किसी भी फंक्शन में उसमें मैं 2-व्हीलर से नहीं गया, क्योंकि हुआ मेरे साथ ये था कि जो 2-व्हीलर था जिसको मैं चलाता था पसंद भी करता था मैं चेतक बोलता था, गाड़ी आने के बाद में गाड़ी खड़ी है उसके बाद में उस स्कूटर ने प्रॉब्लम करनी शुरू कर दी, जिसको मैं मैकेनिक को दिखाता था उसने कई बार उसको ठीक किया लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। एक दिन ऐसा हुआ कि उस मैकेनिक से 1.5 किलोमीटर पहले वो बंद हो गया और उसने चलने से मना कर दिया, बिल्कुल नहीं चला, और मैं इसको खींच के पैदल चल के उसके यहाँ ले गया और उसको छोड़ के आ गया। मैंने कहा इसको यहीं रख ले, जो देना दे दियो, लेकिन मैंने अब इसको ना ठीक कराना है ना लेके जाना, यानी कि वो मेरे इसको हाथ से स्कूटर छूट गया, और उन अंकल के यहाँ जो है ना गाड़ी से ही मेरा जाना हुआ। तो मेरे को जो मेरे चाचा जी की जो बात जो है वो नहीं चुभी, नहीं लगी, लेकिन गुरुजी को उस बात का लगा, और मेरे को मतलब 2009 के लास्ट उसमें मतलब ये अक्टूबर नवंबर से लेके और एक साल के अंदर अंदर वो मकान बनवाया, बिटिया की शादी का पूरा अरेंजमेंट कराया और ये गाड़ी भी ब्लेस की। तीन इन चीजों का दोनों बिटिया की शादी का और मकान बनने का उनका टोटल भी मैंने आज तक नहीं किया, क्योंकि मुझे डर लगता है कि कैसे कैसे कहां से गुरुजी ने अरेंज कराया ये गुरुजी जानते हैं। मेरी अपनी पहुंच और मेरी अपनी औकात में नहीं था कि इतने कम टाइम में इन दोनों तीनों चीजों को मैं मैनेज कर सकूं, और ये आज भी है, और वो दिन है और आज का दिन है। कभी भी जिंदगी में मेरी उसमें लाइफ में कोई भी काम आया मैंने कभी उसको लिखत में करके टोटल नहीं किया, और हर काम इतने अच्छे तरीके से जो है ना संपूर्ण हुआ कि जो और लोग जो है ना उसको अप्रिशिएट करते तो तब लगता है कि हाँ ये गुरुजी की कृपा है। वो कोई जाने ना जाने लेकिन हमें महसूस होता है कि हमारे अंग संग जो है ना गुरुजी हैं, और सब कुछ हमारी जो जिंदगी का हर पल उनका अरेंज किया हुआ है, और हम अगर सवाल करने छोड़ देंगे तो असली एंजॉय जो उनकी कृपा को करेंगे, उनकी जो ब्लेसिंग्स को एंजॉय करने का जो असली रंग जो देखने को मिले वो तब मिलेगा जब हम सवाल करने छोड़ें।
सवाल करने का मतलब हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं कोई घटक है जो वो सवाल को पैदा करता है। सवाल पैदा होने बंद का मतलब है आपका सरेंडर पूरा हो गया, जिस दिन आपने सवाल करने बंद कर दिए, जिस दिन आपने डिमांड करनी छोड़ दी, तभी पूर्ण विश्वास और जो संपूर्ण समर्पण जो का जो भाव है वो तभी होगा जब परिलक्षित होगा, जब हम अपने मन के अंदर जो सवाल के जो उठापटक है उसका समापन हो गया, फिनिश वो जो गया। गुरुजी जैसे बोलते थे कल्याण किता या ऐश कर, जो ऐश कर का हम अपने तरीके से अपने अपने तरीके से मतलब निकालते हैं। जो चीज हमें अच्छी लगती है वो भले ही हमारी लाइफ के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारी दुनिया के लिए, हमारे दर्शन के लिए कितनी ही खराब हो, लेकिन हम सोचते हैं कि गुरुजी ने अलाउ कर दिया, कि गुरुजी ने बोल दिया जा ऐश कर। लेकिन मैं इसका एक प्रश्न बताता हूँ कि गुरुजी का इस जा ऐश कर का जो मायने जो मेरे को समझाया, मैं उसको शेयर करना चाहता हूँ ये आज वाणी को विराम देने से पहले, कि एक फकीर था, पेड़ की छाया में अपने ईस्ट में वो मगन था, उसके ध्यान में मगन था। तो एक जो राजा था, ये सिकंदर का जो जैसे प्रसंग बताते हैं, वो अपनी सेना को लेके जा रहा था, निकल रहा था, वहां से उसका काफिला जा रहा था। तो उसकी राजा उसकी सिकंदर की नजर पड़ी उस फकीर पे, तो उसने ना उसकी तरफ देखा, ना वो खड़ा हुआ, ना नमस्ते की सलाम किया, और वो जा रहा है। तो राजा ने रोक के उसको अपने सेनापति को बुलाया कि देखो ये इस आदमी को पकड़ के लाओ, इसको तमीज नहीं है, इसको पता नहीं है कि इसको मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ और ये मेरे को सलाम नहीं कर रहा उठ के। तो उसने उसको पकड़ के लेके आए। राजा ने बोला तू मेरे को जानता है मैं कौन हूँ? कह रहे जी नहीं। कह रहे मैं ये हूँ। कह रहे जी फिर? कह रहे मैंने जो है ना मेरा सपना है मैं पूरी दुनिया को जीत लूँ। कह रहे जी फिर? कह रहे आधी दुनिया में जीत चुका हूँ और आगे आगे मेरा मैं आगे कूच कर रहा हूँ जीतने के लिए। कह जी उसके बाद क्या करोगे? तो उसने करते करते उसने फकीर ने उसको उस पॉइंट पे ले गया, उसने कहा जब सारी दुनिया मैं जीत लूंगा तो तब फिर मैं ऐश करूंगा। जब उसने कहा मैं ऐश करूंगा तो उस फकीर ने बोला महाराज आप इतने दिनों से इन लोगों को इनके परिवार से इतने दूर लेके चलते आ रहे हो, कोई बीमारी से मर रहा है, कोई लड़ाई में मर रहा है, इनके परिवार के क्या हाल है इनको नहीं पता, और ये इतने मर खप गए आपने, और आप ये सोच रहे कि पूरी दुनिया को आप जीत के ऐश करोगे। आप दुनिया जीत पाओगे नहीं जीत पाओगे ये तो बहुत बाद की बात है, लेकिन जो ऐसा आप करना चाहते हो आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, आप उस टाइम तक जिंदा रहोगे नहीं रहोगे ये तो आपको नहीं पता ना किसी को पता, लेकिन वो जो ऐश आप करना चाहते हो वो ऐश तो मैं अभी कर रहा हूं, क्योंकि ऐश जो है कैश के साथ कम उसका नहीं है, किसी भौतिक सुख के साथ ऐश का कोई वो नहीं है। जा ऐश कर का मतलब है कि अपने राम में लीन हो जाओ, अपने ईष्ट को हमेशा ध्यान में रख लो, नाम की कमाई शुरू कर दो। ये है जो गुरुजी का संदेश, वो है कि जा ऐश कर बोल दिया, तो उसका मतलब है कि इस दुनिया भी इस कलेवा को छोड़ के और अपने उस अध्यात्म की जर्नी के ऊपर अग्रसर हो जाओ जो उनकी तरफ जाती है, और इस जिंदगी का इस जीवन का जो वचन भी और कर्म भी यही है कि हम नाम की कमाई करें और इस जन्म मरण के चक्कर से अपने कर्मों को सुधार के जन्म मरण के चक्कर से होके और जिस लो से निकले उस लो में समाहित हो जाए। तो ये जब गुरुजी का वो किसी को है कि जा ऐश कर, तो ऐश का मतलब है ये दुनियावी सुख सुविधाएं और ये जो पैसा महल माड़ी ये सब कुछ ये उस ऐश में नहीं आता। जिस चीज के साथ कैश का रिलेशन है वो ऐश नहीं है। हम जितने भी सुख के साधन जुटाते हैं उससे हमें खुशी भी मिल पाएगी इसकी भी गारंटी नहीं, क्योंकि एक फकीर है जी फक्कड़ है जिसके हाथ में कुछ नहीं, जिसकी जेब में कुछ नहीं, वो कहीं घूमे फिरे उसको कोई डर नहीं होता। आपके हाथ में जेब में 100 रुपए हो गए, 1000 रुपए हो गए, 1,00,000 हो गए, जितने बढ़ते जाएंगे आपकी टेंशन बढ़ती जाएगी, आपकी कंसेंट्रेशन चेंज हो जाएगी, जहां जाना चाहते हो आप उसकी तरफ ध्यान होगा, कहीं बस में जा रहे हो, कहीं ट्रेन में जा रहे हो, कहीं सब कुछ आपके दिमाग मानस में। जो मेन है कि ऐश कर का मतलब है कि अपने राम नाम की धुनी लगा लो, राम के नाम को कमा लो, और जो इस जहान से भी और उस जहान से भी पार लेके जाएगा, और जहां
सृष्टि की जहां से उत्पत्ति हुई है उसी में गुरु जी के शब्द हैं जहां ऐसा। जय गुरु जी, आज के लिए इतना ही, आगे कभी गुरु जी का आदेश होगा तो आपके साथ जो है ना गुरु जी के सत्संग, उनके जो एक्सपीरियंस जो गुरु जी ने कराए हैं उनको शेयर करूंगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। बिलाचरम अंकल सर, बहुत सहज भाव में, बहुत सुंदर शब्दों में, बहुत भोलेपन में, बहुत मैं कहूंगा बिल्कुल आप तो जीती जागती तस्वीर हो, वो आप ऐसी मूर्ति हो, आप ऐसे, आपका ऐसा व्यक्तित्व है कि बस बहुत कम संगत को ऐसा भाव नसीब होता है जो कि आप में है। सच्ची बता रहा हूँ आपको, मैं जब जब आपके सत्संग सुनता हूँ एक एक शब्द आपका हीरा है, मोती है। सच्ची मैं उन शब्दों को बटोरता रहता हूँ। आपके डेली मैसेजेस आते हैं ये अपने हमारे ग्रुप्स में, और कभी इतना सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाता कि बहुत बार मैं वो बल्कि मैसेज मिस भी कर जाता हूँ, मैं कुछ देख भी नहीं पाता, लेकिन इतने अच्छे आप भाव से लिखते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपके सुंदर सत्संग शेयरिंग करने के लिए। और आप पहले संगत मुझे दिखे हो आज जिन्होंने जय ऐशकर का वास्तविक मीनिंग बताया है, जय ऐशकर। नहीं तो अभी भी हमारी जो संगत है उनमें भी ब्रह्म है। बस मैंने, आपने समझ लिया, गुरु प्रभाव ने समझ लिया कि आपका क्या मीनिंग था कहने का। भौतिक वस्तुओं से जिसमें कैश इन्वॉल्व है वो समर्पण नहीं है। जय गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओवर टू यू अविनाश मोदी अंकल। अंकल गुरु जी की कृपा है क्या, शुक्राना गुरु जी महाराज। बिलायती अंकल आज आपने बड़ा ही ब्लिसफुल सत्संग सुनाया, और जो हनुमान जी का जो मेरी सुनने की इच्छा थी और गुरु जी ने सुनवाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कई मैसेज दिए संगत को, और जिससे वर्ल्ड वाइड संगत बहुत ब्लेस महसूस करेगी, और कई सारे मैसेज आपने दिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आगे भी जब गुरु महाराज की कृपा से इस ग्रुप में आपको सत्संग सुनाने का मौका मिले तो हम आप कृतज्ञ होंगे। धन्यवाद। जय गुरु। जय गुरु जी। एक तो आंटी है, जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु जी। सुनीता आंटी फॉर शुक्राना भजन प्लीज। सुनीता आंटी ओवर टू यू प्लीज शुक्राना भजन के लिए। सत्संग जी लगता है कोई टेक्निकल इशू है। साक्षी आंटी गुरु जी महाराज से आगे आप दिलवा दीजिए प्लीज। साक्षी आंटी सत्संग जी अभी अभी हम सब गुरु महाराज जी से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। आज्ञा गुरु जी। जय गुरु जी। आज्ञा गुरु जी। आज्ञा आज्ञा आज्ञा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा गुरु जी। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, आज्ञा गुरु जी। जय गुरु जी, मैंने अभी ज्वाइन किया था क्योंकि यहाँ टाइम जोन मुझे पता नहीं था, आज ही मैंने चलना है इंडिया के लिए, तो मैं आगे से आपके सबके बीच में पूरे टाइम तक शामिल रहूंगी। जय गुरु जी, गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना शुक्राना, थैंक यू।